अरे कादर, वो गाड़ी बहुत देर से हमारा पीछा कर रही है। हेलो, तुम गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और ज्यादा बढ़ाओ। हेलो, हे भगवान, अभी तुम लोग कहाँ हो? जल्दी बताओ कहाँ हो तुम लोग? अभी हम लोग कन्नूर रूट पर जा रहे हैं। अरे तुम लोगों को मल्लीपुरम जाना था, कन्नूर क्यों जा रहे हो? अब हम नहीं जा रहे हैं, हमें कुछ लोग लेकर जा रहे हैं। अरे साहब, लगता है कुछ बहुत ही गड़बड़ है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ, गाड़ी का नंबर क्या है? KL10N9880। अरे पागल, वो हमारी गाड़ी का नंबर है। तुम लोगों का पीछा करने वाली गाड़ी का नंबर क्या है? सुनो कादर, गाड़ी रोको, मैं उस गाड़ी का नंबर नोट करता हूँ। अरे गाड़ी बीच में रोका तो ये लोग हमें पकड़ लेंगे। तुम गाड़ी स्लो करो, मैं गाड़ी का नंबर नोट करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। ए दीना, गाड़ी निकालो। सर एक मिनट। स्वामी शरणम। हे भगवान, हमारी रक्षा करना भगवान, हम सबकी रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। बंद करो, हटो, अरे हटो, अरे हटो, 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 सुनिए, अरे हट पीछे, ए तू कहाँ था, हैं, इधर आ, फिल्म का बॉक्स कहाँ है, कौन उठा कर ले गया उसे? खालिद भाई, खालिद भाई, वो कहाँ है? ऊपर है, चल, चल, दिखा तुम्हारा खालिद भाई को, हैं, चल, अरे ये तो हाथी है, खालिद भाई कहाँ है? बताया तो ऊपर। मैं यहाँ हूँ। भेजो दर। फिल्म का बॉक्स उठाकर ले गए हो ना? कौन हो तुम? मैं हूँ खालिद, मलप्पुरम मम्मूट्टी फैंस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। सर, हमने जो किया वो गलत है। रास्ते से ही हम लोगों ने फिल्म का बॉक्स उठाकर लाया, लेकिन उसके पीछे वजह ये थी। चुप हो जाओ। तुमने क्या किया जानते हो? कत्ल की सजा, धोखा, लूटपाट, आईपीसी सेक्शन 307, 379, 141 लगाया तो 12 साल के अंदर जाओगे। सर आप इतना सेक्शन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो सेक्शन को सुनकर नून शो खत्म होने के बाद अरेस्ट कर लीजिए। नून शो? ऐसा क्यों? बहुत अच्छी एक्शन फिल्म है सर, और हम ये फिल्म देखेंगे तो हमें भी थ्रिल आएगा। अब बात करते हैं समस्याओं की।
पिछले 3.5 साल से हमारे स्टार मम्मूटी सर की फिल्म मलप्पुरम जिले में ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है, जिसमें मंजरी, देवकी और सिनेमैक्स थिएटर है। DCR हमारे ही हाथ में है। क्या DCR? DCR डेली कलेक्शन रिपोर्ट। तुम्बनी मक्कल में 28 लाख रुपए, मायावी में 28 लाख रुपए, प्रजापति में 26 लाख, नसरानी में 23 लाख, दलपति में 14 लाख, पलेरी माणिक्य में 32 लाख। तो दोस्तों, इन सब थिएटर का कलेक्शन स्थिर रखने के लिए अड़ावल्ली मनारकल है, वहाँ फिल्म रिलीज होते वक्त 16x6 सीट की जगह हमने 60x6 सीट रखी है और पूरे 16 फ्लैक्स हम लोगों ने चिपकाए हैं। पोस्ट ऑफिस जंक्शन से लेकर थिएटर की सीढ़ी तक हम लोगों ने वहाँ पर सजाया है, और जो कुछ भी सजाया है वो साधारण तरीके से नहीं, 16 केले के पेड़ खरीद कर हम लोगों ने सजाया है। 1 केले के पेड़ की कीमत 500 रुपए, तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिए। इसे स्पॉन्सर किया है कालीकट के सिल्क पार्क के मालिक ने, उन्हें हम क्या जवाब देंगे बताइए सर। केले की पेड़ की बात करने हम यहाँ नहीं आए हैं। सर आपको जवाब देना पड़ेगा, इस तरह से टालिए मत। श्रृंगार करने वालों को, फूल देने वालों को भी हमें जवाब देना पड़ता है। नहीं, मुझे सब समझ में आ रहा है, वो ही सवाल है तुमसे करता हूँ। मल्लापुरम पद्मा थिएटर के लिए मद्रास से आया फिल्म बॉक्स को लूट कर लेगा, इस गुंडागर्दी का कौन जवाब देगा? उसका जिम्मेदार कौन है? खालिद भाई तुम कैसी बात कर रहे हो? सीआई सर ने कहा तुझे अरेस्ट करके लॉकअप में डालने के बाद तुमसे बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जॉर्ज सर को तुम जानते हो ना? आपने तो सीआई कहा था सर। तुम सबका समझे ना। सर आप इस शहर में रह रहे हो, सर आप एक बार मंजरी नरक, अरे नरक नहीं भाई नगर, हाँ मंजरी नगर, और मंजरी नगर के दीवार में कल से देवकी सिनेमा हॉल में मेगा स्टार मम्मूटी की फिल्म वन वे टिकट का डेली 4 शोज होगा। पोस्टर्स आपने देखे होंगे? हाँ कभी देखा। कभी की बात नहीं है सर, आपने देखा है, और सिर्फ सर ने ही नहीं, इस शहर के सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर ये फिल्म यहाँ नहीं चलाई गई, यहाँ रिलीज नहीं की गई, मल्लापुरम पद्मा थिएटर में रिलीज करोगे तो मल्लापुरम मम्मूटी फैंस एसोसिएशन के लोग सर उठाकर जा सकते हैं, गर्व महसूस होगा। क्यों सही कहा ना सर? मैं इसका क्या जवाब दूं, मैं कुछ समझ नहीं पाता। ये श्रृंगार करने वाले और फूल वालों को छोड़कर तुम जाकर जीप में बैठ जाओ। सर आज का नून शो खत्म होने के बाद, आवनाली फिल्म में कैप्टन राज को मम्मूटी अरेस्ट करके ले जाते हैं, वैसे आप हमें अरेस्ट करके ले जाइए। आवनाली फिल्म के कैप्टन राज सर को मम्मूटी ने अरेस्ट किया था, हाँ वो सही है। अरे वो तो क्लाइमेक्स में पहले अरेस्ट किया था सर, आप शायद भूल गए। एक बात बताओ, आप वहाँ जाकर ब्लैक टिकट करने वालों को अरेस्ट करके और लाइन से टिकट लेने वालों को तंग करने वालों को 2 लात मारकर उन्हें भगा कर सर आप रिलैक्स कीजिए। शो खत्म होने के बाद हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे, सेंट्रल जेल ले जाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ सर ही नहीं, सीआई सर आए तो भी, आईजी सर आए तो भी, हम फैंस में से किसी को भी यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, और हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं, क्योंकि न्याय जो है वो हमारे तरफ ही है। तब तो तुम्हारा ये फैसला है ना? ठीक है। अच्छा अच्छा, एक टिकट मुझे भी दे देना। अरे ये हुई ना बात, इसे कहते हैं पुले। खालिद भाई अपन लोग धूम मचाते हैं। खालिद भाई। मैं हूँ सर। ये सब क्या चल रहा है खालिद? हाँ बैठो। नहीं सर, हम लोग खड़े रहते हैं। अरे बैठ जाओ। नहीं सर। फिल्म कैसे चल रही है? वो तो अच्छी चल रही है सर। कलेक्शन कैसा है? हाउसफुल है सर, एक दिन में हर एरिया के लोग आ रहे हैं, अब फैमिली वाले आनी चाहिए तभी तो लॉन्ग रन चलेगा ना। सर आप हम फैंस की बात मत सुनिए, सेकंड हाफ में 4 सीन्स है। सच कहता हूँ, मम्मूटी सर ने लोगों को कस के पकड़ कर रखा है। हाँ, मल्लापुरम के पद्मा थिएटर में चल रही होगी, कोई तमिल फिल्म लगाकर एडजस्ट किया होगा। हाँ, है ना? वो बात नहीं सर, एक्चुअली वहाँ पर होल्ड ओवर हुआ ही नहीं है। झूठ बोल रहा है सर, वहाँ पर 3 दिनों से होल्ड ओवर है सर। अरे बाप रे, भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे सर। कंपटीशन रहने वाली इस दुनिया में कोई अच्छी अगर फिल्म आती है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, क्या बोलता हूँ? देखिए पिछले 3 साल से हमारे स्टार मम्मूटी सर की फिल्म मलप्पुरम जिले में ज्यादा पैसे कमा कर दी है। सिर्फ मंजरी सिनेमैक्स में कथा परियम्बोल 28 लाख, माया भी 28 लाख, प्रजापति 26 लाख, नसरानी 23 लाख, दलपति 14 लाख, पलेरी माणिक्यम 32 लाख। DCR हमारे हाथ में। DCR डेली कलेक्शन रिपोर्ट। सदाशिव भाई वो अपना आदमी है। सर तुमने इनका चार्जशीट बनाया क्या? सर आपके आने के बाद सर आएंगे, सर से मंजूरी लेकर बनाऊंगा, या क्या हमारे सगे संबंधी है? हाँ इन सब को अंदर डाल दो। जीप बदलकर फिल्म बॉक्स उठाने वाले तुम कौन हो? हाँ जेम्स बॉन्ड हो क्या? ये सब सिर्फ फिल्मों में। मैं सर? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब अंदर रहोगे। सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, कम से कम 3.5 साल रहोगे तो ही तुम लोग सुधरोगे। चलो जाओ अंदर। अरे अरे सर भाई मैटिनी शो का टाइम हो रहा है। सेक्शन 147, 307, 379 चार्जशीट लिखो, किसी को भी किसी कीमत पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है सर। हाँ हेलो गोंडोटी पुलिस स्टेशन। नमस्ते सर, मैं मम्मूटी बोल रहा हूँ। कौन मम्मूटी? फिल्म एक्टर मम्मूटी।
हीरो ममूटी? हाँ सर, इस वक्त मैं ऊटी में हूँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बोलिए सर। हमारे फैंस ने कुछ लफड़ा किया ये मुझे पता चला, उन्होंने जो भी किया वो गलत है, लेकिन हाँ सर, मल्लापुरम पद्मा थिएटर जाने वाली फिल्म की पेटी को इन लोगों ने हाईवे से लूट लिया। सर उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए, चाहिए तो मैं मिनिस्टर से फोन करवा देता हूँ। नहीं नहीं सर, सर मैं उन्हें छोड़ता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। अब तो इनकी बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्हें नहीं छोड़ा तो। सदाशिव, देखा ना बहन, 9:30 बज गए हैं और ये खालिद अब तक आया नहीं है। हाँ यार, आज तो बच्चों को स्कूल में देरी हो जाएगी। तुम लोग किसका इंतजार कर रही हो? खालिद भाई अभी नहीं आएगा। क्यों भैया? आपको पता नहीं, खालिद को पुलिस ने पकड़ लिया है। पर हुआ क्या? मल्लापुरम की फिल्म का बॉक्स उठा के ले गया है। मैच बॉक्स? मैच बॉक्स नहीं बहन, फिल्म बॉक्स, हमारे सिनेमा हॉल में चलने वाली फिल्म। हे भगवान। तो क्या, वो तो जेल जाएगा ही। अब क्या होगा? जमानत मिल जाए तो अच्छा है। माँ ये सच है क्या, खालिद भाई को पुलिस ले गई थी? वो झूठ बोल रहा है बेटी। माँ वो आ रहा है, खालिद भाई। हेलो। खालिद भाई, हमने सुना कि तुम फिल्म पेटी को छीन के ले गए और पुलिस तुम्हें पकड़ ले गई। छीन लिया ये बात आजा, 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 लेकिन आजा, पुलिस आजा, पकड़ कर ले गई थी। चल, ये चल, तो सच है, मगर हमारे भाई का फोन आ गया था ना। क्या बालन भाई का? अरे बालन भाई बोलेगा तो वो सीआई छोड़ देगा क्या? वो हमारे मम्मूटी सर। क्या वो कलियमपुरम का अरबी मास्टर ममूटी सर है? एक दूंगा ना रखे, अरबी मास्टर उर्दू मास्टर नहीं, मेगा स्टार ममूटी। चलो झूठ मत बोलो। अरे आपको विश्वास नहीं है तो चंद्रा से पूछो, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। क्या ये सच है चंद्रा, ममूटी ने फोन किया था? क्या क्या नाम लिया था? ममूटी। ममूटी, जो इज्जत का हकदार होता है उसे इज्जत देनी चाहिए। आप मम्मूटी सर को मम्मूटी क्यों कहते हो? एक नहीं 3 भारत रत्न अवार्ड और 1 पद्मश्री देकर इस राज्य का उन्होंने गर्व बढ़ाया, तो वो महान है ना। तो फिर मम्मूटी सर ने फोन किया, ये सच है? हाँ, मम्मूटी सर फोन किया था, उन्होंने फोन किया था। वो हम पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। उस इंसान के बारे में हमें जानना जरूरी है। क्या आप ये बात जानती हैं कि पिछले 3.5 साल से मलप्पुरम जिले के ममूटी सर की फिल्म का कलेक्शन सबसे ज्यादा मंजीरी देवी के सिनेमैक्स ने दिया है? कथया परम्बोल 28 लाख, माया भी 28 लाख। पास है। सुनो, स्कूल का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। हाँ। चलो बाकी बाद में बताता हूँ, चलते हैं। बात शुरू कर दी तो टाइम का। लक्ष्मी बेबी, ऐसे मुझे मत देखो भाई। 200 का 300 कर देता हूँ। पुलिस को देखकर भागते हुए गिरा था मोइनुद्दीन को हॉस्पिटल में भर्ती किया था। उसका खर्चा 512.99 रुपए। नदी से रेत लाने के वक्त पुलिस को रिश्वत दिया था 1002.99 रुपए। रात में रेत लाने के लिए पेट्रोमैक्स लाइट लाने का खर्चा 502.99 रुपए। घर में काम करवाने के लिए प्रेमा वेडापुर से कारपेंटर को लाने का खर्च, कुलोमल तक ऑटो से छोड़ने का खर्चा। वालेकुम अस्सलाम, 150.99 रुपए। आज आज वालेकुम सलाम के लिए भी पैसा? साहब जी, घर में काम करवाने के लिए कारपेंटर को ऑटो में लाने का खर्चा। वो घर के काम के लिए कारपेंटर को हम जीप में लाए थे, ऑटो का पैसा क्यों डाला? नहीं नहीं, वो साहब जी घर में काम करने के लिए लाए, वो कारपेंटर बिना काम के। काम करने आया कारपेंटर बिना काम के ही चला गया, तो इसका क्या मतलब? साहब जी कुल मिलाकर टोटल 6 कारपेंटर आए थे। ठीक है, उसमें से 2 वापस चले गए, 2 लोग काम किए, 2 लोग देख रहे हैं, जो लोग गए वो वापस आ गए, तो फिर टोटल कितना हुआ? अब वो अरे छोड़ो ना, हिसाब मुझे नहीं आता, तभी तो तुम्हें मैंने मुनीम रखा है, ये तुम्ही संभालो। अब 2 गए तो कितने बचे, आप ही बताइए ना। 6 में से 2 गया तो 3। ऐसा क्या? हाँ। ए, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर हिसाब बराबर करो, जाओ। मैं आपको 3-4 लड़कियों की फोटो दिखाऊं क्या? चलो, ये है महक और ये है मीसा। बाबा चाय। तुम्हें चाय बनाने के लिए किसने कहा? तुम्हें पता है चाय कितनी महंगी है? जाओ जाकर चाय पी लो खुद ही, जाओ। इधर दे दो बेटी। ये किसकी फोटो है बाबा? किसकी फोटो, कौन सी फोटो? आपके हाथ में है ना फोटो? हाँ, वो खालिद के लिए जो लड़की। चुप 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 चुप। खालिद के दोस्त जो कल आए थे ना, उन्हें सर्कस परिवार की फोटो चाहिए थी, वही मैंने इनसे लाने के लिए कहा था, वही फोटो है। देखोगी क्या? दिखाऊं? नहीं।
ये कौन है? जुबेदा। क्या आप भी बाबा? खालिद तो मेरे लिए ही बना है, फिर इन लड़कियों की फोटो इस बिरयानी बनाने वाले के हाथों से भिजवाने का क्या फायदा? क्योंकि खालिद तो सिर्फ मुझसे ही शादी करने वाला है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना? बड़ी आई ठीक है कहने वाली, ठीक। कौन है वो पागल? उसकी तो आंटी जी का बेटा है, वो उसी से शादी करूंगी, ठीक है ना? जब तक मेरी जान में जाना है तब तक तेरी शादी उससे नहीं हो सकती। रेहाना सुनो, रेहाना। क्या हुआ साहब जी, आपने मुझे बुलाया? रेहाना है क्या? चल निकल यहाँ से। क्या हुआ जी? अपनी बेटी को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा दो इसे। आप भी ना, आप ही समझाइए इसे, आप पागल हो गए हैं क्या? मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। बहन जी, अरे बहन जी, इसमें जरा शक्कर डाल के देंगी क्या? इधर दो मुझे, शक्कर डालेगा तो पिएगा ना, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, ये फोटो उसे दिखाकर जल्दी से निकाह करवा देंगे। मैं आज ही जाके उसे दिखाता हूँ और जल्दी ही दोनों की जोड़ी बैठाता हूँ। अंदर कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है ना, मेरा नाश्ता है। अच्छा साहब जी, मैं किस तरफ जाऊँ? तुम इधर आओ। अरे कोई नजर ही नहीं आ रहा है। दादी एक भिखारी है। अरे तेरी तो बदमाश कहीं की। हे भगवान, बच्ची वो भिखारी नहीं है। वो दिखने में ऐसे लगते हैं, उसने आपको भिखारी समझ लिया। अरे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे चेहरे में भिखारी लिखा है क्या? मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी भैया। ये बात हमने पहले कभी की थी ना, लेकिन कब वो याद नहीं आ रहा। दादी माँ, रसोई से एक फल गायब हो गया था तब। भाई साहब बुरा मत मानना, लेकिन आपके देने के लिए रखा था पर आपने चोरी कर लिया। मेरे साथ ऐसा ही होना था, मैं गांव-गांव जाकर लड़की ढूंढ कर आपके बेटे के लिए लड़की का फोटो लाया हूँ। कहाँ गया आपका बेटा? वो जिम गया है। कहाँ गया है? जिम गया है, अरे अपनी बॉडी बनाने के लिए। ओह, कराटे सीखने के लिए गया, ऐसे बोलो ना। हमारे गांव का एक लड़का, उसने क्या किया पता है? वो ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट। खालिद के भी 3-4 बेल्ट हैं। उसका निक्कर का बेल्ट होगा। तुम्हें चाय चाहिए या छाछ पियोगे? पहले लड़कियों का फोटो तो देखो, बैठो। हाँ, अब तुम लोग ही लड़कियों की फोटो देख करके उसे चुनो। ओहो, हम इन लड़कियों को चुनकर क्या करेंगे? वो तो रेडी होना चाहिए ना। अरे तुम कब आई बेटी? वो आज सुबह ही आई है। अब तक तो उसके आने का वक्त हो ही गया है। चलते चलते मेरी ये, अगर चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात सुने तो उस चूहे से उसे दूर कर दो, वही तुम्हारे बेटे को भड़काता है। आ गया लड़की का दलाल। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनो चंद्रा, वो जाली नोट के केस में पुलिस ने जिसे अरेस्ट किया था, उस गणेश को, वो भी जिंदा है कि मर गया? उसका छोटा भाई मर गया, उसकी मौत के बाद उसकी शादी हो गई, अब वो पुलु पला मलाई में रह रहा है, अभी उसके 2-3 बच्चे, ऐसा मैंने सुना है। आप फालतू बातें मुझसे क्यों पूछते रहते हो? खालिद, मैं नाश्ता करके आता हूँ, इस आदमी को और कोई धंधा नहीं है। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पुलिया मुल के बाबा कल्याण 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 कल्याण। अरे खालिद भैया, तेरी शादी के लिए लड़कियों के फोटो लाए हैं, जरा देख तो ले। दीदी दीदी, अम्मा को कितनी बार समझा लेकिन समझती नहीं है। अभी शादी करने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है। मैं उस इकबाल मामा की बेटी के साथ प्यार करके उसे शादी कर लूंगा, ये सोच के माँ डर रही है। वो तुमसे शादी करने को तैयार है, तुम्हें तैयार होना है। मैं चक्रवर्ती की दुकान पर उससे मिली थी, तुम्हारे बारे में सुनते ही उसके कान खुल गए थे। हाँ, उसके पापा के भी सारे कान खुल जाते हैं वो मुझसे जलते हैं। खालिद सुनो, तुम उसके बाबा से नाराज होना, लड़की का क्या कसूर? अरे मेरी दीदी, इकबाल की बेटी को सोना भर के दिए तो भी वो मुझसे शादी करवाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। क्यों तुम ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना चाहते हो बोलो? वो तो उस आदमी का दिमाग खराब करने के लिए, मुझसे ये सब मजाक बिजाक चलने वाला नहीं है। बहुत सुंदर लड़की है, इसे गौर से देखो तो काव्या के जैसी दिखती है ना? सही कहा ना? अरे 2-3 बार नहीं, जब भी देखोगे तो वो ऐसी ही दिखेगी, इसलिए उस लड़की को पसंद कर लिया मैंने। अरे कोई भी लड़की पसंद करके इसकी शादी करवा दीजिए। देख भाई, अगर तुझे अपनी बहनों से प्यार है तो कोई लड़की पसंद करके उसे शादी कर लेना। ज़ेनत, तुम अपना काम करो। क्यों हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है? तेरी उम्र के सभी लड़कों की शादी हो गई है, अब तो उनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। ओह, शादी के बाद तेरी मनमानी नहीं चलेगी, इसलिए नहीं कर रहा है क्या? दीदी, तुम्हें कितनी बार समझाया कि ऐसी बातें सबके सामने मत किया करो। तुम्हारी बहन ने सही तो कहा, तुम क्यों नाराज होते हो? वो तुम्हारी भलाई के लिए कहती है, तुम क्यों नहीं समझते उसकी बात? ओहो, तो तुम भी मुझे सुना रही हो। वो पैसे लेकर मेरा निकाह करवाना चाहता है, इसमें कुछ तो बात है। उसे अपने पति को गल्फ में भेजने के लिए पूरे 50,000 रुपए चाहिए, और आपको बताइए कितने हजार रुपए चाहिए? चाहिए ना, मुझे चाहिए 50,000 रुपए चाहिए। तुम लोगों से नहीं मांगूंगी तो कहां जाऊंगी? जीनत,
30 तोला सोना और 1.5 लाख रुपया देकर तेरा निकाह करवाया है। 20 साल पहले माँ को छोड़कर गए त्रिवंग गाड़ू बाला अपने पिताजी नहीं किए हैं, वो सारा काम मैंने करवाया है। उस साल मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मुराई और हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी तक मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों में से सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर पास होने वालों में से मैं हूँ। लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाले सारे लड़के कॉलेज जाने लगे थे और इस खालिद को प्रमोशन मिला ड्राइवर का। पहले क्लीनर था, दिन में स्कूल जाता था, रात को जीप और लॉरी में क्लीनर का काम करता था। चंदन ऑयल स्मगलिंग करने के लिए चला जाता था अपनी जान हथेली पे रख के। सब पैसे वाले सेठ लोग होते थे लेकिन मैं डरा बिल्कुल नहीं। घर बहने इनको याद करता तो डर निकल जाता था। सोचता था हमें सिर्फ पैसा चाहिए। इसे जो बोलना है बोलने दो, इसे पैसे चाहिए, बच्चे को संभालना है और पति को बाहर भेजना है। लेकिन अगर आप भी इनका साथ देंगी तो। तुम्हें परेशान या दुख देने के लिए इन्होंने बात नहीं की। अरे अपने भाई की भलाई के लिए बोल रही है। जफर भाई आप नहीं जानते, एक दिन रात में ये माँ और मेरी बहनों को जहर दे रही थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी, मैं बहुत ही छोटा था। खाने में जहर मिला हुआ उसकी सुगंध और माँ का चेहरा देखकर मुझे पहले ही शक हो गया था, तो मैंने खाने का बर्तन उठाकर सीधे फेंक दिया। और उस दिन से ये खालिद स्कूल खत्म करके जब घर आया तो हाथ में 1 किलो चावल और सब्जी लेकर आया था, ताकि कोई भी इस घर में भूखा नहीं रहना चाहिए। जफर भाई, ये खालिद निकाह करेगा मान मर्यादा से, इज्जत से सारे गांव वालों को बुलाकर धूमधाम से निकाह करेगा। लेकिन उससे पहले मैं अमीना से मिलना चाहता हूं, अपने पति से जो अलग होकर आई है उसे वापस मिलाना है। मैं रमजान तक इंतजार करूंगा, रमजान शुरू होने पर कोई मना नहीं कर सकता, मैं जाकर उससे बात करूंगा। देखते हैं मेरी बातों का उस पर असर होता है या नहीं। तुम्हारे पति का वीजा का इंतजाम मैंने कर दिया है, अगले हफ्ते जा सकता है। खालिद खाना तो खा ले। रहने दे, मेरे बेटे को भूखा रहने की आदत है, जितना बुलाएगी वो नहीं आएगा, भूखा रहने दे उसे। बेटी जीनत। जी बाबा। खालिद के लिए जो खाना रखा था वो मुझे खिला दो ना। नहीं मिलेगा तुझे कुछ भी, तेरे ही कारण मेरा बेटा घर से भूखा चला गया। निकल जा तू इस घर से। मैं जाता हूँ। बाहर में गई तेरी लड़कियाँ। मैं चावल खाना चाहता था पर मुझे दिया ही नहीं। हाँ। सुहाना या फिर नफीस, दोनों ने चावल लाकर कहा जाफर भाई आपको खाना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया, आप तो जानती हैं मुझे। नायर भाई से पैसे की बात करनी पड़ेगी। अरे पता है प्यार में गिरे हुए उस खालिद का बाप कौन है? त्रिवांग गाडू का उमर कौन है जानती हो क्या? बोलो कौन है? ये बात तो नहीं बतानी चाहिए थी कल्याणी दीदी, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ। ये त्रिवांग गाडू उमर की पहली बेटी सुहाना बेलचरी में रहने वाली अपने पति को छोड़कर यहाँ क्यों आई जानती हो? क्यों? अब और क्या क्या बातें बताऊं? अरे वो खालिद है ना, वो शादी से इनकार क्यों कर रहा है पता है? अब कल्याणी दीदी उसके बारे में कुछ ना जानिए तो ही अच्छा होगा। पर क्यों? अब उसके बारे में बोल के अपनी जुबान कौन खराब करे? सुनिए भाईजान। अरे ऐसे कैसे जफर भाई, आप बताइए, पहले जवाब दो वरना आप नहीं जा सकते। मेरा प्यारा बेटा, मैंने तो तुम्हारे परिवार के बारे में एक लफ्ज भी गलत नहीं बोला, खुदा कसम खा के कहता हूँ। टीचर 3 प्लेट इडली लेकर आना जल्दी। हाँ हाँ ला रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए, जफर भाई के लिए। ये अच्छी बात। जफर भाई ने अपनी दादी से 3 सवाल किए हैं लेकिन तीनों का जवाब दादी नहीं जानती हैं। अगर आप जवाब दिए बिना यहाँ से जाना चाहते हैं तो मेरा आपको छोड़ देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं नहीं बेटा, वो मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता ना, इसलिए ऐसी बातें बोली। शांत रहिए। सवाल नंबर 1, आप मेरे पापा के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो कुछ नहीं जानता। जफर भाई, घर वालों को छोड़कर त्रिवांग गाड़ू की उम्र क्या थी वो बताइए, और वो क्या काम करते थे, बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। इलेक्ट्रीशियन। क्या कहा? इलेक्ट्रीशियन, तार जोड़ने वाला। इलेक्ट्रीशियन। सवाल नंबर 2, वलान जरी में मेरी बहन सुहाना अपने पति से झगड़ा करके क्यों आकर मेरे घर में बैठ गई? वो उसकी आदतें और हरकतें पसंद नहीं इसलिए। सवाल नंबर 3, उस सवाल का जवाब मैं ही दे देता हूँ। सवाल है कि तुमने शादी करने से इनकार क्यों किया? आंसर, अमीना की शादी करवानी है, सुहाना को उसके पति से वापस मिलवाना है, बस यही ना। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा बेटा। तुमने अभी वो इडली का ऑर्डर दिया था ना, वो लाना भूल गई।
नहीं भूली, मैं पक रही है। क्या बात है, इस जफर भाई के साथ क्या लफड़ा है भाई? ओ, लफड़ा नहीं, हम लोग ऐसी गांव की पंचायत की बातें कर रहे थे। ये लीजिए, पिछले महीने का उस थिएटर वाले का ये बिल है। कल एयरपोर्ट की ट्रिप है, मैं रात को नहीं आऊंगा, मुझे जाना है। रात में जाना अच्छा नहीं है भाई। हे, ऐसा कुछ नहीं है, अब चलता हूँ। चलो। ये लड़का सीधा है, लेकिन जो बताना है वो तो बताना ही पड़ेगा। पूछो कौन है। कौन है? खालिद है। इससे थोड़ा सावधान रहना अच्छा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो आपके लिए अच्छा है। अब वो इडली पक गई क्या? चंद्रा। अरे चंद्रा, पागल लोग तो रात में भी छाता पकड़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है। पागल होगा तेरा बाप। अरे मामा जी, आप थे क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मामा, आप इसके पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो क्या? पिछले क्रिसमस के एग्जाम में सामूहिक शास्त्र और बायोलॉजी में इसके मार्क्स बहुत कम थे। कालिया पांडे मास्टर के ट्यूशन लेने के लिए जाना चाहिए, सो तुम जा रही हो। चलो कोई बात नहीं, चली जाओ। लेकिन अगर तुम जा रही हो तो तुम्हारे साथ ये क्यों जा रहे हैं? सामूहिक शास्त्र और बायोलॉजी में जो मार्क्स मिले हैं उतने काफी हैं। जाकर जीभ धो, इससे बात क्यों करते हो? अच्छा, तो आप नाराज हो गए हो। अच्छे मार्क्स लाकर पास नहीं हुई ना, तो देखना मैं दहेज थोड़ा ज्यादा मांग लूंगा। तब मामा जी, आप मुझे गलत मत समझना। अच्छे खानदान की लड़की को बीच सड़क पर रोककर बात करते शर्म नहीं आती? ओहो, देखो मामा जी, पहले रेहाना आंटी स्कूल जाते वक्त हाथ पकड़कर उसे ले जाकर उसके साथ निकाह आपने किया है, ऐसा मैंने अपनी माँ से सुना है। ठीक है, सच में मामा जी, प्यार करना गलत और शादी करना गुनाह है क्या? जवाब दीजिए। ए, मैं हिसाब में कच्चा हूँ, चल रहे। तो तुम मुझसे फोन पे बात करना। बाबा फोन तुम स्टडी बूथ से करना, मेरा नंबर तो याद है ना। साजिरा। अरे अरे मामा, अरे अरे नहीं 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 भाई, अरे नहीं नहीं, बताइए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हर बार आपको बताना पड़ेगा, बताइए। आप सब लोग एक साथ बातें मत करो, जिन्हें जो भी कहना है वो एक एक करके खड़े रहके बोलो। मामूटी का पार्टी में शामिल होना, इस बारे में क्या चर्चा करनी है उस बारे में ही बात करिए। विनीत, तुम्हारा सवाल ही पूरी तरह से गलत है। पार्टी में शामिल होने के लिए मम्मूटी वहाँ पर नहीं गए। सुकुमारन, डॉक्टर आनंद मूर्ति और वासुदेवन नायर जी, इन लोगों ने शुरू किया हुआ ये सामाजिक संगठन है, समझे? किसी जाति धर्म के नाम पर ये चला जा रहा है, ऐसा हम लोगों ने कभी मम्मूटी सर में दिखा है? क्योंकि वो आदमी कभी जाति धर्म को मानता ही नहीं है, ऐसे है अपने मम्मूटी भाई। और इस राज्य में होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे जैसा तो आदमी बैठा ही है। देश के विरुद्ध वो कभी भी कुछ भी नहीं कहते थे, ये तो मुझे याद है। उनके मन में जो कुछ भी होता है वो खुलकर बता देते हैं। हाँ, आज के जमाने में सच कहना गलत है क्या? आप ही बता। नहीं ना, सुनो, अभी लगातार 4 कॉमेडी फिल्मों में मम्मूटी सर ने एक्टिंग की है। अरे एक्शन फिल्म कब करेंगे? देखो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, दामोदर मास्टर ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी है। मास्टर को स्क्रिप्ट खत्म करने के लिए भी तो उन्हें मौका देना चाहिए ना। आप 2 सालों से यही कह रहे हो। मंजरी देवी थिएटर में मम्मूटी की 4थी फिल्म 100 डेज जा रही है। आप इस साल मम्मूटी सर को यहाँ लाएंगे क्या? पहले ये जवाब दीजिए। देखते हैं, वैसे ये काम तो एवरेस्ट के पहाड़ पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन है, फिर भी हम कोशिश तो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो चलते हैं। सुनो, आसमान है तो बारिश होगी, बारिश होगी तो कुछ ना कुछ उगेगा ही, फिर उगने के बाद फल फूल बाहर आते हैं। ठीक उसी तरह मेरा पैसा हजम करने के लिए इंसान को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। दुख बताकर, आंसू बहाकर आपने हमसे पैसे लिए। उस समय तो मैं आपको भगवान दिखता था, उस वक्त तो आप बड़ा भक्त बने हुए थे। पैसा लेकर काम होने के बाद आज जब मैं आपसे पैसा वसूल करने आया हूँ, तो क्या मैं आपकी नजरों में गुंडा शैतान बन गया हूँ? ध्यान से मेरी बात सुनो, कल सूरज ढलने से पहले मेरे पास मूलधन और ब्याज दोनों आ जाने चाहिए। पैसों के लिए कोई बाज नहीं उड़ेगा, लेकिन ये विशु उड़ेगा, तुम्हें उड़ा कर ले जाएगा। ये है विशु का रुतबा। कट। ओके। गोपी, हाँ ठीक है, आगे क्या सीन है? भाई, वो खालिद और उसके दोस्त लोग आए हैं।
सुनो, मैनेजर से बोलो फिल्म हिफाजत से रखे, नहीं तो ये उसे भी ले जाएंगे। ये वही लोग हैं क्या जो फिल्म की पेटी उठा कर दे गए थे? वो कूलिंग ग्लास पहना है ना, वही है खालिद। देखा, जरा खड़े होने का स्टाइल तो देखो, उसे लगता है ममूटी को उसने स्टार बनाया। ये है कौन? पुलियम कुलम की उम्र का बेटा है ना, ये आपका बहुत बड़ा फैन है, हजारों फॉलोअर्स बनाए हैं इसने आपके। मयूर हाई स्कूल में 10वीं क्लास में ना आज तक कोई इससे ज्यादा मार्क नहीं ला पाया। फर्स्ट क्लास से पास हुआ है, लेकिन देखो जीप चला रहा है। मैंने इससे जबरदस्ती करके बीए कॉरेस्पोंडेंट करने को कहा था, सही ना? अच्छा काम किया आपने। ये भाई ही ना मुझे फिल्म में लेकर के आए। ये ममूटी की बातों को सीरियसली ले लेते हैं, इससे गांव वालों से दुश्मनी हो जाती है। फिर तो आपको उन फैंस के लिए एक सीन बनाना होगा सर। फैंस के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एक फिल्म होने के बाद आप शायद मुझे भूल जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं भूलेंगे, हमेशा साथ में ही रहेंगे। ठीक है, मैं जरा इनसे मिलकर आता हूँ। वैसे ही आया क्यों? मंजी थिएटर में वन वे टिकट 100 डेज चल रहा है, उसके लिए आपको बुलाने आए हैं। अरे भाई, भाई। हाँ ठीक है, ओके मैं बात करता हूँ। भाई हम सब लोग भी हैं। नमस्ते। किसी भी आदमी को शांति से रहने दोगे? अब क्या लफड़ा करके आए हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? गली का गुंडा हो? कोई पागल हो क्या? हर इंसान को अपना जीवन डिसिप्लिन के साथ जीना चाहिए, यह भी तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? हाँ नहीं मम्मू भाई, मंजरी में पोस्टर चिपका कर मल्लापुरम में रिलीज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ पोस्टर चिपकाना है, कहाँ रिलीज करना है, ये तुम तय करोगे? ये प्रोड्यूसर तय करेगा कि उसे फिल्म कहाँ कहाँ रिलीज करनी है। अभी तो सीआई ने मेरी बात मान ली, नहीं तो क्या होता? हम जेल में रहेंगे, और किसी के लिए नहीं, अपने भाई के लिए ही ना। पागल कहीं का, क्या तू ये नहीं जानता कि हाथी सब काम नहीं कर सकता है? चीता के सामने लड़ने जा रहे हो। कब है तुम्हारा एग्जाम? अक्टूबर में। ये अगस्त है, परीक्षा में फर्स्ट क्लास लाने के बाद ही मेरे सामने आना। हम लोग तो आ सकते हैं ना। मजाक करता है? अरे तेरा पेट कैसे बढ़ गया? पेट नहीं बढ़ा, लीवर बढ़ गया है। अबे ठीक से बात करना। वो क्या भाई, मंजरी थिएटर में वन वे टिकट का 100 डेज हो जाएगा तो हम आपको लेकर के आएंगे, ऐसा उनसे वादा किया था तो आपको लेकर। वादा तुम लोगों ने किया है, मैंने नहीं। और तुम क्यों चुप हो, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? वो मैं कहना चाहता था लेकिन आपने कहने नहीं दिया। कहने नहीं दिया क्या? 100 डेज है, आपको वहाँ आना ही होगा। ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने किया क्या है? हमने 5 परिवारों को छत बनाकर दिया है। तो हॉस्पिटल की सर्विस रोक दिया? नहीं, 2 साल से चल रहा है, हर फ्राइडे हम लोगों को खाना खिलाते हैं। सिर्फ यही बात नहीं है भाई, हम लोग लोगों को दवा भी दिलवाते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 4-5 लोगों के आंखों का ऑपरेशन भी करवाया है। पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो आ ही जाता है, लेकिन पैसा तुम लोग लाते कहाँ से हो? पैसा देने के लिए बहुत लोग आते हैं भाई, लेकिन थोड़ी तकलीफ होती है। फिल्म में फैमिली भी है क्या सर? नहीं फैमिली नहीं, इसमें अकेले एक्टिंग कर रहा हूं। नहीं मतलब पारिवारिक कहानी है? परिवार की कहानी नहीं है, लेकिन परिवार वाले ही ये फिल्म देखेंगे। इस साल हमें एक एक्शन फिल्म करनी है। एक्शन तुम लोग मत करो, मैं करता हूँ। अब ये बता कैसा है तेरा पीना? ऐसा कुछ नहीं है, हम पीना चाहते हैं लेकिन हमें कोई शराब देता ही नहीं है, और आप तो भाई इसको जानते ही है कैसा है, आप तो सब जानते ही, अब आपसे क्या बताना। दुबई से तेरा भाई पैसा भेजता है कि नहीं? क्या बताऊं भाई, भेजता है कि नहीं, वो फोन करता है तो पैसे की कोई बात ही नहीं करता भाई। वो नहीं करता तो तुम्हें करना चाहिए। सुनो वो दे दो, थोड़ा चिप्स लाए हैं, ये हमने इस्माइल के घर से लाया है। तुम लोग भी खाओ, तुम जब भी आते हो कुछ लेकर ही आते हो। सर आपका शॉट रेडी है। आता हूँ। ममूटी भाई वो 100 डेज के फंक्शन की बात डेट फिक्स करके बता दो, मैं आ जाऊंगा। चलो। पैसा आएगा जाएगा भाई, बहुत ही किस्मत वाला हाथ है, प्यार करने वाली एक सुंदर लड़की आएगी लेकिन वो जल्दी नहीं मिलने वाली तुम्हें। खालिद भाई तुम मोबाइल पर बात करते हो तो जल्दी मिल जाती है। जा रहे। रेखा झूठ नहीं कहती कभी। कौन सी रेखा? फिल्म वाली रेखा? नहीं तो हमारी पुलिस वाली की बेटी रेखा है क्या? मजाक नहीं कर रही भाई, एकदम सच कह रही हूँ, इसकी शादी की रेखा आगे बढ़ रही है। अरे ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? अरे खालिद तुमने तो कमाल कर दिया, हम दोस्तों को बिना बताए तुम शादी कर रहे हो। शादी? किसने बोला? जिसने भी बोला, पर हमें बहुत दुख हो रहा है। तो शादी करने का फैसला इसने? वो बात नहीं है तो? हमने छुपाया है। कुछ भी हो लड़की सुंदर है, बहुत सुंदर है। कौन सी लड़की? हो तुम फिर झूठ बोल रहे हो, लड़की और लड़की का बाप तुम्हारे घर जा रहे हैं, साथ में जफर भाई भी हैं। जफर भाई के साथ लड़की? क्या बात कर रहे हो? तो तुम जफर भाई के साथ लड़की देखने गए थे क्या? नहीं यार। तो फिर लड़की को दिखाने के लिए जा रहा होगा। अरे बेचारी को क्यों परेशान करते हो यार। जफर भाई ने लड़कियों की फोटो दिखानी बंद कर दी, अब लड़कियों को सीधा घर में ही दिखाने के लिए ले जाता है वो। है ये सेवा सिर्फ सिटी में ही नहीं है हाँ? बल्कि यहाँ भी हो गई है वो सेवा। चलो घर चलते वरना जफर भाई गले में डाल देगा। इस
इसका और इसका निकाह हम सबको मिलकर करवाना होगा। ये क्या बोलने वाली बात है जफर भाई। जो भी हो जफर भाई का ये काम बहुत बढ़िया है। फोटो दिखाना, फिर लड़की को वहाँ ले जाना, उनकी जरूरत ही नहीं है। सारी टेंशन खत्म। लड़की को घर ले जाओ और सीधा घर वालों को दिखा दो, पसंद आया तो सीधा शादी। अरे ये हमारे सामने जो लड़की खड़ी है वो तो इकबाल भाई की बेटी है। अरे यार खालिद लड़की तो बहुत सुंदर है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब वहाँ क्या चल रहा है जरा चलकर देखते हैं। अरे सुन तो, अरे हमारा दूल्हा आ गया। अरे रुक यार। तुम जहांगीर हो, मेरा नाम बताओ। नाम क्या बताऊं? अरे मेरा नाम बताओ ना। कदीजा नहीं, कबरमी। अरे इस लड़की ने इसे किस नाम से पुकारा? जहांगीर है, है? जहांगीर इसके स्कूल का नाम है। अरे क्या बेवकूफी है, पहले बताना चाहिए ना, कहीं लास्ट मोमेंट पे लड़की ने नाम बदलने से मना कर दिया तो क्या करूंगा। अरे ये खालिद, खालिद बढ़िया नाम है। हाँ सोच के देखो, अच्छा लगता है खालिद। चंद्रा है, चंद्रा तो बहुत थक गया है। हाँ, बदला तो होगा ही ना। चंद्रा कौन है मुझे याद नहीं आ रहा। अरे वो कंक्रीट की दीवार से गिरकर मरा था ना वो शिवराम, वो कचहरी में चाय बेचता था, जिसे दूध में पानी मिलाया था तो पुलिस ने पकड़ लिया था। अपना मुंह बंद करो, हमारे बिजनेस की बात मत करो है। हमारे बाप के बाप के बाप की बात कर रही है। आप जानते हैं कि हमारे परिवार में सब लोग खाट पैसों के डिसेंटली मरे हैं, लेकिन एक आदमी का नाम लेकर हमारे खान का नाम बदनाम मत करो। मेरा बाप बहुत ही अच्छा था और मैं कौशल्या टीचर का प्यारा इकलौता बेटा हूँ। क्यों खालिद? हाँ भाई मान लिया, इसके परिवार में एक टीचर है। खालिद आने वाली 17 तारीख को निकाह है। अरे नहीं मास्टर, वो मैंने जफर भाई से कहा था कि मुझे सोचना पड़ेगा, इतनी जल्दी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अरे ये ऐसा ही है, निकाह का नाम सुनते ही परेशान हो जाता है। मास्टर जी आप जाइए, हम संभाल लेंगे। मास्टर जी अरे सुनिए जरा एक बार सोचिए तो। अरे क्या खाली? अरे माँ मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसे समझाओ तो सही कम से कम। उसे अपनी बेटी की शादी करनी है तो तुमसे मंजूरी क्यों लेगा वो? मैं उसे शादी नहीं करूँगा। उसे शादी करने के लिए किसने कहा? तो दूल्हा मैं नहीं हूँ ना। तू पहले अपना नाम बदल, खालिद मासूद। अरे मासू महाशय निमंत्रण देने आया था। ओ, अच्छा तो वो निमंत्रण देने आए थे। तो मैंने सोचा कि मेरी शादी करवाने आए हैं। शादी हो तो धूमधाम से होनी चाहिए, वो जिला का सम्मेलन जैसा होता है ना वैसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाशय आपकी बेटी फातिमा का मेकअप करवाने के लिए वो लड़की आई थी ना, जरा उसे बुलाइए। खालिद यहाँ वहाँ दौड़ने से कोई फायदा नहीं, बैंड वाले को अच्छा गाना बजाने के लिए बोलो। ओ ठीक है ना, मैं बोलता हूँ। बशीर भाई चलो। हाँ तुम डांसर लोग अभी भी यहीं पर हो क्या? चलो जल्दी जल्दी जाओ 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 जाओ, जाओ चलो चलो। हाँ खालिद। फातिमा, फातिमा आ रही हूं। अरे देखो तुम्हारे गांव से तुम्हारे दोस्त आया है। अरे तुम इतनी जल्दी आओगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम लोग जीप से आए हैं। क्या बात है खालिद? क्या करे, एक एक प्रॉब्लम हो ही जाती है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ आसपास में ऐसी समस्याएं तो होती ही रहती हैं। हर एक समस्या के समाधान के लिए हम लोग यहाँ वहाँ भागते ही रहते हैं। बता बता बता, बताई थी फातिमा ने। आप ममूटी फ्रेंड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हो ना? ये जिला सेक्रेटरी है और मैं जनरल सेक्रेटरी। वैसे आज फातिमा की शादी में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों ने डांस किया था, उन लड़कियों में से मुझे एक लड़की की डिटेल चाहिए। क्या बात है, शादी का मूड बन गया? नहीं मेरे लिए तो नहीं, मेरा एक फ्रेंड है बशीर, आज शादी में उस लड़की को देखकर उसने पसंद कर लिया है, वो बेचारा जिद कर बैठा है। मैं बताता हूँ, बशीर की शादी हो गई, उसके बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए माँ के घर गई है। अरे ये वो बशीर नहीं है, तू जिसको नहीं जानता है वो बशीर है। ये कौन सा बशीर है जिसे मैं नहीं जानता? अरे वो लड़की उस बशीर को जानती है क्या? जानती है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। वो लोग बहुत सारी जगहों पर मिल चुके हैं लेकिन मालूम नहीं है ना। मालूम नहीं है इसलिए नाम से पता करने की कोशिश की लेकिन वो बशीर उसे ढूंढ नहीं पाया। तो तुम एक काम करो, कोई क्लू दे दो। क्लू? दरअसल वो लाल रंग के कपड़े पहनकर नाच रही थी। लाल रंग वाली वो थी?
उसके घर का एड्रेस रजिया उमर मड़नजारी हाउस आनूर मल्लापुरम। सुनो चंद्रा, हम उसके घर पे जाकर उससे मिल लेंगे। हुजूर, हुजूर, हुजूर। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, मत मारो। ये शादी के ब्रोकर जफर भाई हैं। और ये मेरा बेटा सैयद, ऊटी से पढ़कर आया है। ऊटी में लोगों को कैसे मारते हैं, ये पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको पहचान नहीं पाया। अरे पहचान नहीं पाया तो क्या किसी के गले में हाथ डाल देगा? घंटा बिना बजाए आप अंदर आए तो मैं क्या करूं? जाके नहीं आई तो मार दोगे क्या? दरअसल ये बाहर रहकर घर के रिवाज को भूल गया है। छोटा था तभी ऊटी भेज दिया था, अभी ताइवान में नौकरी कर रहा है। अभी रात को ही आया है। इसके लिए भी लड़की ढूंढनी है आपको। इसके पहले कि ये ताइवान फुर्र हो जाए, इसका निकाह करवाना होगा। परिया, परिया, परिया। क्या कहा इसने? ये सब पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं। हुजूर आपको समझ नहीं आया। तुम किस काम से आए हो? हुजूर एक खुशी की बात है। रजिया उमर मड़ानजरी आनूर पीओ मल्लापुरम, इसमें कुछ तो गोलमाल है। गोलमाल कुछ नहीं, वो लव सब कुछ है। मतलब मोहब्बत, इश्क, प्रेम। ये चिट्ठी फिरोज के हाथ में दी थी, रास्ते में किसी कौवे ने उड़ा लिया। कौन सा कौवा? अरे वो कौवा नहीं, उड़ने वाला कौवा नहीं, क्या क्या साजी, ये वही है। अच्छा ये बताओ, उन दोनों का प्यार एकदम सच है क्या? बिल्कुल। अच्छी बात है, तो जाकर जीप में बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे अरे कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हो, नहीं जानता? हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी। मैं यहाँ इसलिए आया, बात यह है कि ये आदमी कौन है? अरे आप इसे नहीं जानते, ये शादी का ब्रोकर है हमारे घर में। शादी की जोड़ी लगाता है जफर भाई। ये दिखते ऐसे हैं लेकिन हैं बहुत मशहूर। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब पहचान लिया। आइए अंदर आइए, अंदर आइए। अरे यार याद है, हमें मिले जमाना हो गया। हाजी जी, हम लोग को मिले 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सच कह रहे हो? हमारे हाजी जी बहुत बड़े आदमी है क्या? हमारी तो स्कूल के समय से ही पहचान है। हाजी जी तो स्कूल गए ही नहीं। जब मैं थानाड स्कूल में पढ़ाई करता था, ये स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेचते थे, ये हमें भी आइसक्रीम उधार देते थे, ये बात जानते हो? आइसक्रीम 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 ले लो। मुझे भी। कितनी चाहिए? एक आइसक्रीम। कौन वाली दूं? आइस 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 आइस। क्या हाजी जी, आपने तो कहा था कि आपकी आइस फैक्ट्री थी, लेकिन आप तो आइसक्रीम बेचते थे। लीजिए। जफर भाई अभी सोचना नहीं है, फैसला लेना है। अरे अपने आप ही रिश्ता जुड़ गया आप तो। उमर भाई अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि हमारी तरफ से हाँ है, हमने उस लड़की को पसंद कर लिया है। अरे आपने किसको पसंद किया है, किसकी बातें कर रहे हैं? वही जो अभी चाय लेकर आई थी, वो कॉलेज में पढ़ती है ना, वही। अरे जो चाय लेकर आई है वो आमिरा है, मेरी बीवी। तो तुम्हारी बेटी नहीं है? तो उसे बुलाओ ना। हाँ। वो कॉलेज हॉस्टल में है, तिरु रंगड़ू में। उसका नाम रजिया तो नहीं है? हाँ तो हम सब जानकर ही आए हैं। ये बताओ तुम्हारी बेटी मिनाया गांव में हाल ही में एक शादी में गई थी ना? क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ? अरे तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, शांत रहो। बस वो आवारा खालिद उसके पीछे पड़ गया है। बस एक बार शादी हो गई ना तो फिर उसका बुरा हाल हो जाएगा। तो फिर उसे आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कौन सी बीमारी है कुछ पता नहीं है। अरे घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात कीजिए। हाँ। उमर भाई तुम्हारी बेटी रजिया को खालिद कहीं ले जाकर उससे निकाह करवाना चाहता है, मैं सच कह रहा हूँ, भरोसा करो। क्या हाजी जी, आप ऐसे अचानक बोलेंगे तो कैसे? भाई लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम्हें मंजूर है कि नहीं हमें बता दो। साफ साफ बताओ, मैं गरीब हूँ, आप जैसे बड़े घर में शादी करवाने की ना तो मेरी हिम्मत है, ना पैसा और ना ही जेवर है। मतलब दहेज की बात कर रहे हो? 25 तोला सोना और 2 लाख रुपया कैश, कम तो नहीं बोला? बीच में बात करने के लिए किसने कहा? तुमसे दहेज लेकर हम अमीर हो जाएंगे क्या? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी बेटी मांगने आया हूँ, अपनी बेटी दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हम लड़का लड़की से मिलकर फैसला लें तो अच्छा रहेगा ना हाजी जी? हमारे परिवार में ऐसा रिवाज नहीं है,
मैं जो बोलूंगा उसे मानना पड़ेगा। अगर वो कुछ और सोचता है तो मैं नहीं मानूंगा। अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं लड़के से मिलकर बात करना चाहूंगा एक बार। तुम जरा इधर आओ। अरे ये पुराना जमाना नहीं है, तुम्हारी बेटी और वो लड़का एक दूसरे को 16 सालों से प्यार कर रहे हैं। हाजी साहब, मेरी बेटी की उम्र 21 साल की हो रही है, आप 16 साल कह रहे हैं, यानी कि 5 साल की उम्र में प्यार? अरे बाप रे। परेशान मत हो, मैं बताता हूँ। 5 साल की उम्र में पोलियो इंजेक्शन लगवाने के लिए जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी ना, तभी वो उस पर लट्टू हो गया था। काफी सालों के बाद पिछले हफ्ते शादी में जब दोनों मिले तो निकाह करने का फैसला कर लिया। अब अगर हम दोनों ने इज्जत से निकाह नहीं करवाई तो दोनों भाग जाएंगे। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। देखिए हाजी जी, आपकी बातें सुन ली और मान भी ली। अरे साहब जी, जरा संभाल कर चलिएगा। पापा, किसकी शादी की बात हो रही है? अरे साहब जी, जरा इसे कहो कि हाथ पकड़ के उतारे। अरे जफर भाई, इसे उतारने में मदद करो ना। हेलो जी, थैंक यू। सुनो ना जफर, यहाँ एक पेड़ लगाना है। किसका पेड़? अरे बेवकूफ, शादी के लिए केले का पेड़। ओ? अरे भाई, हमारे खालिद की शादी होगी तो घर वाले, गांव वाले, रिश्तेदार सभी खुश होने चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहन का बेटा और भांजे की शादी का पंडाल बनाने की बात है ना। किसकी शादी की बात हो रही है? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मैंने आपको कितनी बार कहा था कि हुजूर का दिल फूल के जैसा है, हृदय एकदम साफ है, पानी डालिएगा तो फूल अपने आप खिल जाएगा, है कि नहीं हुजूर? अगर उसी फूल में पानी डालेंगे तो फूल सड़ जाएगा। चुप रहो। खाली जिस लड़की को चाहता है उस लड़की के घर में जाकर सबसे मिल के उसकी निकाह की बात करके आए हैं हाजी साहब। अरे नफीसा भैया, जब मैं स्कूल जाता था वहाँ मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। अब्बा ने मुझे घर से बाहर भगा दिया, मैं जिंदगी भर अनपढ़ ही रह गया और इसी वजह से मैं तुम लोगों पर भी ध्यान नहीं दे पाया नफीसा। चुप रहो, मेरी फैमिली का मामला है। अरे क्या बच्चों, तुम लोग पराए आदमी की तरह देख रही हो। इतने सालों के बाद तुम्हारे मामा तुम्हारे घर के दरवाजे पे आए हैं पीने के लिए चाय, सुलेमानी और कुछ। भैया, आप मुझसे और मेरे बच्चों से नाराजगी खत्म कीजिए। पर वो क्यों, तुम्हारा बेटा निकाह करना चाहता है इसलिए? नहीं, वो निकाह करेगा ये बोलकर धोखा दिया है, बेवकूफ बनाया है। वो बहुत समझदार है, तुम्हें तो पता है। वो बचपन से हमसे बातें करते वक्त दांत दिखाकर हंसता था। हम उसे बहुत पसंद करते हैं, वो हमारी निगाहों में अभी भी छोटा बच्चा ही है, हम उसे उसी तरह प्यार करते हैं। नफीसा साहब जी मुझसे बार बार पूछते हैं। क्या भाई? हाथ पैर आगे नहीं बढ़ा, इसके बारे में हमेशा पूछते हैं। तुम चुप हो जाओ। सुनो, मैंने उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे गलत मत समझो। नफीसा, कहाँ है हमारा भांजा खालिद? खालिद अंदर है। खालिद, तेरे मामा बुला रहे हैं तुझे। खालिद, इस मामा को माफ कर दे बेटा। माफ कर दिया बोलो बेटा। खालिद, मेरे बेटे, मेरे भांजे, खालिद, मेरे भांजे, खालिद, मामा जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे, क्या कर रहे हैं आप? हमारे घर आकर दादागिरी दिखा रहे हैं। अरे दादागिरी नहीं दिखा रहे हैं, प्यार, प्यार दिखा रहे हैं। मामा को हमसे प्यार कब से होने लगा? आज बराबर 3 बजे से हुआ। चल हाथ पकड़, आया बड़ा। अरे बेटी, हाजी जी आ गए, अब आपके परिवार की सारी तकलीफ खत्म। तुम्हारा निकाह इस गाँव में सबसे ज्यादा धूमधाम से करवाएगा ये मामा। मेरा निकाह? मेरा निकाह तो कब का हो चुका है मामा जी। क्या? हाँ? तो फिर इसका होगा। ए, चल हट, ऐसे थोड़ी बजाते हैं। मैं बताता हूँ। हाँ ये देख।
ऐसे बहुत अच्छा बजा लेते हो, ये बताओ कहाँ से सीखा? गांव वाले देख रहे हैं। ये लो भाई पकड़ो। कितना हुआ? 25 रुपया। हाँ ये लो इसे पकड़ो, ये हमारा भांजा इसे भी दे दो, जो पसंद हो दे दो इसे। हाँ देता हूँ। इसमें काजू और पिस्ता भी है, इसे और इसके साथियों को जी भर कर आइसक्रीम खिलाओ, जितना मांगे उतना दे दो, पैसे चंद देगा। खालिद देखते ही देखते दिन निकले जा रहे हैं, मेहमानों की लिस्ट तैयार करनी है, शादी के कार्ड छपवाने हैं। लड़की के लिए कौन सा कपड़ा लेना है तुम उस लड़की से पूछ के बता देना। अरे निमंत्रण पर छपने की क्या जरूरत, कोई बड़ा सम्मेलन हो रहा है? वो नहीं, ये बड़े सम्मेलन से भी बड़ा सम्मेलन है निकाह। अरे भाई ये तो रीति रिवाज की बात है, तुम सब लोग मिलकर जो फैसला करोगे हमें मंजूर होगा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। अरे हाँ रजिया से मिलना है क्या तुम्हें? किससे? रजिया से, जिससे तेरी शादी होने वाली है। मम्मूटी भाई संभाल लेना। हाय खालिद। हाय। सही वक्त पर आ गए। चंद्रा कोई खास बात है क्या? नहीं मेरा कोई खास बात नहीं है। आओ ना। बैठ जाओ ना, ये कितना शर्माती है। तुम डरो मत, हम लोग हैं ना यहाँ पे। ये लड़की तो सच में बहुत डरती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। खालिद बात कहाँ तक आगे बढ़ी? हाँ एक खास समाचार है, खालिद और इसके मामा के बीच फिर से दोस्ती हो गई है। इसकी माँ कह रही थी ये जिस लड़की से शादी करेगा उसे मिलने के लिए बोला है। तब तुम लोग बातें करो, चंद्रा तुम चलो है? मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ऐसा सबसे मिलवा देना, चलो चलो चलो। यहाँ पर गर्मी बहुत है ना। नहीं वो मैं रजिया से शादी करने की बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फातिमा ने कहा कि आप ड्रेस के बारे में बात करने आए हैं। अब जी हाँ। किसी भी अच्छी दुकान से खरीद सकते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छी दुकानें हैं। तो फिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं वो रसिया की चाहत भी जानकर। सब मर्द ऐसे ही होते, शादी से पहले लड़की से पूछते हैं कि उसे क्या पसंद है, फिर शादी के बाद सब भूल जाते हैं। नहीं नहीं मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, फातिमा ने बताया कि खालिद बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा सुनो, मैं शादी का दिन फिक्स करके उस तारीख तक इंतजार करने वाला इंसान हूँ, ठीक है? इसलिए हमें इतने फ्री होकर बातें करना अच्छी बात नहीं है, और इस मामले में मैं तो एक गांव वाला हूँ। लेकिन आजकल गांव वाले कौन सा पीछे रह गए हैं? जस्ट अ मिनट, मैं फातिमा से कुछ बात करना चाहता हूँ। फातिमा इधर आओ ना। क्या बात है? अरे जल्दी आओ। मैं नहीं। अरे वो लड़की मेरे बारे में सोचती क्या है, मैं उस टाइप का नहीं हूँ यार। उसने क्या कहा? अरे वो तो कुछ अलग ही बात कर रही है मेरे साथ। क्या खालिद तुम्हें क्या हो गया है, जाकर बात करो, शादी के बाद ऐसा मौका नहीं मिलने वाला, अभी जाकर बात कर लो सारी। समझ गए ना तुम, शादी के पहले बात करने का मजा ही कुछ और है। तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचा था और तुम हो कि इस तरह से बातें कर रही हो। छह शहर में आकर हॉस्टल में रहकर लड़कियां पढ़ती हैं या फिर बिगड़ती हैं? हैं? लानत है, लानत है। ये 21st सेंचुरी है, तुम क्यों डरते हो? अब तुम लोगों के बीच ऐसी क्या फॉर्मेलिटीज हैं? फातिमा तुम ये क्या कह रही हो, जरा दोबारा कहो, क्या तुम इस खालिद को जानती नहीं हो? देखो भले ही पुलिस केस क्यों ना हो जाए, लेकिन ये खालिद का आचरण परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट। ये बात रजिया को पता चले तो हम क्या जवाब देंगे? फिर तुम उसे शादी करके उसे कांच के बॉक्स में रख के देखते रहो। किससे शादी करके? रजिया से। वो रजिया नहीं है दरअसल, वो तो
अब क्या फायदा? अरे शादी करने वाली लड़की से फायदे की बात? नहीं बाबा, फातिमा मैं शादी करने वाली लड़की रजिया है, ये वो नहीं है। अरे ये रजिया ही है। अरे ये रजिया नहीं है। अरे तुमने जो कहा था ये वही रजिया है, देखो ना। तो फिर वो रजिया कहाँ है? इसमें वो ये कुछ नहीं है। तुमने मुझसे इस लड़की के बारे में बात की थी और मैंने भी इसी के बारे में बात की। रजिया मणंजरी हाउस कानूर मल्लपुरम। अभी मैं अच्छे से समझ गया, अच्छे से समझा। फातिमा स्कूल में पढ़ते वक्त भी ऐसी ही थी, फालतू में लोगों को बेवकूफ बनाती रहती थी। अरे यार जरा से भी नहीं बदली। चलो अब सही रजिया को बुलाओ। सही रजिया ये लड़की है। अरे ये वो लड़की, यही है वो। क्या तुम इस लड़की की बात कर रहे थे? हाँ मैंने कहा था ये वही रजिया है। अरे खालिद ये रजिया नहीं है, सुनंदा है, सुनंदा नायर। खालिद तुम जानते हो ना, ये स्कूल और कॉलेज में हमारे साथ ही पढ़ती थी। जब ये हमारे घर में आई थी तब मुसलमान के गेटअप में थी, और वो देखकर तुम इसे। ये मुस्लिम लड़की नहीं है? नहीं ये हिंदू नायर लड़की है। ये अभी गांव वाले और घर वाले शादी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कुछ और ही सोच लिया। क्या कॉमेडी हो रही है। मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकल गया। बहुत दर्द हो रहा है। चंद्रा मुझे एक सोडा पिलाना। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। और तेरी उसी लड़की से शादी होगी होगी होगी। अरे जब मेरे बेटे को पसंद नहीं तो तुम कैसे उसकी शादी उससे करवा सकते हो? यहाँ मर्द लोग बातें कर रहे हैं, औरतें बातें नहीं करेंगी। बात क्यों नहीं करेंगे? 23 सालों में एक दिन के लिए भी हमारे घर नहीं है, लेकिन उस दिन जब अचानक आप हमारे दरवाजे पर आ गए थे ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि जरूर धोखा देंगे। हाँ हाँ इसने हमें धोखा दिया है हाजी जी, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अब जरा चुप हो जाइए, सुनो बेटी, माँ को अंदर लेकर जाओ। मेरे बेटे को जो लड़की नहीं पसंद वो उससे शादी नहीं करेगा। हाँ। आप इसे समझा दीजिए हाजी जी। अरे मगर हाजी साहब शांत रहिए। खालिद तुम्हें क्या कहना है? आप सब लोग मिलकर अगर मेरा निकाह करवाना चाहते हो तो मैं इनके घर में जाकर खुदकुशी करके दिखा दूंगा। पर मेरे घर में खुदकुशी क्यों करेगा? आपको मैंने कहा था कि लड़की ढूंढ कर मेरी शादी करवाओ। मैं समझ गया, इसका दिमाग घूम गया, इसकी शादी करवाए बिना इसे छोड़ना नहीं हाजी साहब। इसकी बात भी तो हमें माननी पड़ेगी। इसने आपको नहीं कहा तो आप लड़की देखने क्यों गए? अरे मैं कहां गया था, मैं तो वहां मजबूरन गया था। किसने मजबूर किया? लड़की देखने के लिए तुमने जफर से बात की थी ना? मैंने उनसे कहा था लेकिन आपसे नहीं ना। हाँ पिछले हफ्ते मैं तहसील के एग्रीकल्चर ऑफिस में सर्टिफिकेट लेने गया था, तब ये मेरे घर पर आया था। जांच सर्टिफिकेट लेने जिस वक्त हम जीप में जा रहे थे उसी वक्त ये जीप में आकर बैठ गया। कहने लगा आपकी जीप में बहुत जगह है। फिर इसने मुझसे ऐसे ऐसे ऊट पटांग सवाल किए कि मैं तो जवाब ही नहीं दे पाया। तो आपने जांच सर्टिफिकेट लिया था क्या? नहीं लिया, एग्रीकल्चर ऑफिस में जांच के बारे में पूछना और बताना एकदम गलत है। जफर सच सच बताओ कि आखिर हुआ क्या था, ये आपके लिए ही अच्छा होगा। ये एक लड़की की जिंदगी और उसके परिवार की इज्जत का सवाल है। इसे क्या हुआ? देखा देखा, अब आप सब समझ गए ना कि मैं बेगुनाह हूँ। अरे उसने तो कुछ भी नहीं बोला। अब क्या बोलेगा, रोकर तो बता रहा है, अब लिख कर दे क्या? जफर तो कुछ बोला नहीं। अभी आप सब लोगों की समझ में आ गया ना, यहाँ भीड़ इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है। उस लड़की से इसकी शादी करवा दो, मैं अपने काम पे चलता हूँ। चलता हूँ जी। आप चाहे जितना भी नाटक कर लो, मैं आपकी बेटी को छोड़कर किसी और से निकाह नहीं करूंगा। वाले खालिद ना बहुत बड़ा खिलाड़ी लगता है। हाजी जी। अरे बाप रे, रुको रुको रुको। हाजी जी रुको, मैं जरा नंबर एक होकर। उमर भाई आप बुरा मत मानो साहब, उस पेड़ के पीछे घूमने जा रहे हैं। होकर आता हूँ ना। कोई बात नहीं, मेरे साथ चलिए 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 चलिए। कहाँ जा रहे हो? आओ उमर बैठो। ये है खालिद, आपकी बेटी की शादी इसके साथ तय की गई है। सुनिए भाईजान, शादी करने के लिए मैंने किसी को भी नहीं भेजा था, मैंने तो सिर्फ एड्रेस देने का काम किया था, लेकिन ये लोग तो सीधे जाकर शादी तय करके भी आ गए, मुझे क्या पता था? आप इसे पहली बार देख रहे हो ना? ये सब क्या है उमर, लड़के को देखे बिना कैसे निकाह की बातें तय कर सकते हो? मैंने कहा था हाजी जी, तब इस आदमी ने कहा था कि लड़का और लड़की पिछले 16 सालों से प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अगर शादी नहीं हुई तो वो दोनों साथ में भाग जाएंगे। सुन लिया ना, अब तो आपकी तसल्ली हो गई ना। इन्होंने कहा कि मैं 16 साल से उसे जानता हूं, जबकि वो पूरे 16 दिन भी नहीं है, तो फिर हम दोनों में प्यार कैसे हो सकता है? असलियत में इस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, इस सब की वजह यही है। तुम चुप हो जाओ।
हाजी जी, इसकी बातों का बुरा मत मानो। उमर की बात सच हो तो आप पीछे नहीं हट सकते, वादा पूरा करना पड़ेगा। क्या करना होगा? खालिद से शादी करवाने के लिए मंजूरी देनी पड़ेगी। हा? नहीं तो रजिया के लिए एक अच्छा सा लड़का हाजी साहब ढूंढ कर बताएंगे और तय तारीख में ही उसकी निकाह हो जाएगी। बस यही सही रहेगा, है ना? हा, हा। अब मुझे ये बताइए कि मैं वो लड़का कहाँ से ढूंढूं? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आप अपने बेटे सैयद के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना, सैयद का रजिया जैन निकाह करवा देते हैं, सब कुछ सही बात है। सलाउद्दीन ने जो कहा वो करेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? हाजी साहब जरा एक बार सोच कर देखिए। पर लड़की की मंजूरी भी तो चाहिए। लड़की की मंजूरी की आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे मना लूंगा। अब मैं अल्लाह की कसम खाकर सच कहूं क्या, मेरे घर में भी एक जवान लड़की है। या आपने बताया, ये बिल्कुल सच है। बको मत, चुप रहो। मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता मास्टर जी और हाजी साहब। दरअसल मेरा बेटा सांपत्य जीवन के लायक नहीं है। सांपत्य जीवन नहीं, दांपत्य जीवन। तुम चुप रहो। हाँ, ऐसी जिंदगी वो कभी नहीं जी पाएगा, कभी। ये नहीं। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल वो 2 साल पहले उसने एक दवा खा ली थी जिसकी वजह से उसकी मर्दानगी चली गई। वो कौन सी दवा है? तुम चुप। मामा, सैयद मेरा भाई है, उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं होनी चाहिए, उसका उपाय है। खालिद ये जानकर चुप नहीं बैठेगा। हाजी साहब, इस हाजी के बेटे का काम हो जाएगा। जो तारीख निकली है उसी तारीख को निकाह हो जाएगी। परेशान मत होइए, ऊपर वाला कोई रास्ता जरूर निकालेगा। समाज के नियम के अनुसार तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम इस निकाह के लिए तैयार हो ना? अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अब चलना चाहिए। मैं चलता हूँ। साहब जी, सैयद को दवा देने से बेहतर है कि आप उसे थोड़ा पानी। अरे चंद्रा, नीचे गम थोड़ा ज्यादा लगाना, लगता है कल बारिश होने वाली है। हाँ ठीक है। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? ये लोग क्यों मार रहे? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर खाली तुम एक काम करो, अपना खेल शुरू करो। ठीक है। तुम्हें ऐसे लग जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें सावधान रहना चाहिए था ना, सर पर कोई मारे तो राइट जाना चाहिए, लेफ्ट मारे तो इधर जाना चाहिए, और चुपचाप झुक जाना चाहिए
तो हमें चोट नहीं लगती है भाई। ओहो, इसलिए तू राइट लेफ्ट जाकर सतीश मास्टर के घर की दीवार कूद कर भागा था? वो मैं नहीं भागा था, वो मैंने किसी को भगाया था। आगे भागे लोगों को मैंने नहीं देखा, पीछे आने वालों ने मुझे नहीं देखा। मैंने ये बात तुम्हें बताई थी ना यार। खालिद ये बताओ, उन्होंने हमें मारा क्यों? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वो लोग दोबारा मारने आएंगे ना, तब मैं उन लोगों से पूछ लूंगा। ये फातिमा के साथ दूसरी लड़की आई है। नहीं नहीं खालिद, लेटे रहो। आप लोग यहाँ कैसे? इसके रिश्तेदार को यहाँ एडमिट किया है। ओह, उसके भी सर पे चोट लगी है क्या? दरअसल वो मेरी जीप स्लिप हो गई थी, पेड़ से टकराने की वजह से सर पर चोट लगी है। अभी ठीक है। मुझे तो नहीं पता था। हाँ, सच में चंद्रा, जीप स्लिप हो गई थी। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। चंद्रा, तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? ऑफ कोर्स, क्या करना है? मेरे लिए मिनरल वाटर लेकर आओगे क्या? कोल्ड या हॉट? सॉरी, बड़ा बोतल या छोटा बोतल? बड़ा बोतल। ठीक है, लेकर आता हूँ। तो फिर वो कैसे हैं? ये छोड़ो, अपने बारे में बताओ। नहीं, कुछ नहीं, बस दो दिन गाड़ी नहीं चलाऊंगा, हो गया। बुरा मत मानना, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत पैसे खर्च हो रहे ना, इसलिए थोड़े से लेकर आई थी तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, तुम लोग मुझसे आकर मिले यही बहुत है, ये पैसे वगैरह ये क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मारने के लिए मेरे मामा और मामा का बेटा गए थे। लेकिन मैं तो उन्हें नहीं जानता, उनसे तो मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कोई गलती भी नहीं की, तो फिर मारा क्यों? खालिद, तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन गलती मान ली है, इसीलिए आकर तुमसे माफी मांग रही है। अरे कोई तो वजह होगी ना, चाहे वो सही हो या गलत, कुछ तो है। मेरी मर्जी के बिना घर वाले शादी करवा रहे थे, तब मैंने उनसे बचने के लिए कह दिया कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। वो लड़का कौन है ये जानने के लिए उन्होंने किसी को मेरे हॉस्पिटल भेजा था, और तब हॉस्टल में से मेरी फ्रेंड्स में से किसी ने तुम्हारा नाम बता दिया, कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा और सीधे मुझे ढूंढ कर मारा। फैंस एसोसिएशन के लोगों को पता नहीं होना चाहिए, वो लोग पता कर ही रहे हैं, अगर पता चल गया ना तो आपको भी मार पड़ेगी। अगर तुम ये पैसे ले लोगे तो मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। इसमें कितने रुपए हैं? 16,000। अरे बापरे, ये तो काफी नहीं है। 50,000 रूपए से एक भी पैसा कम होगा ना तो मैं नहीं लेने वाला। अरे ये 16,000 रूपए मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। बिना मेहनत और बिना पसीना बहाए मैं कोई भी पैसा लेना सही नहीं समझता। हाँ, घर वालों से बचने के लिए अगर मेरा नाम लेना चाहो तो फिर इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो लोग मारेंगे और मैं पैसे लूंगा, ये बात तो मुझे रास नहीं आती, क्योंकि पैसों की कीमत होती है, उन्हें ऐसी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो लोग मुझे मारेंगे, मैं पैसे लूंगा। वो लोग मुझे मारेंगे, मैं पैसे लूंगा। क्यों? सॉरी। अरे मैंने बस ऐसी मजाक किया था। सुगंधा, आप लोग तो ऐसे ही करोगे ना? सुना, रजिया और हाजी जी के बेटे की मंगनी हो गई है। मुझे पता चला। अब हम चलते हैं, अभी हम गए तो फर्स्ट पीरियड अटेंड कर सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चलते हाँ। हैं। ये बात तो तुम्हें पहले बोलनी चाहिए थी, कैसे बताती, बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। हेलो पापा, मैं शशि। हाँ, अभी तुम कहाँ हो? मैं मल्लापुरम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर हूँ। उसके सहेली की बात सही है, सुगंधा मिलने आई थी उस मुसलमान लड़के से। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो उससे मिलने गई थी, ये बात सही है क्या? हाँ सही है, उन दोनों ने बहुत देर तक बातें भी की। हाँ, तुम वहां से निकल जाओ, अभी पंगा मत लेना। सुनो, सुगंधा कहाँ जा रही है तुम्हें बोलकर गई थी ना? हॉस्टल बोलकर। हॉस्टल के नंबर पे फोन करो। क्या हुआ भैया? फोन तो करो, मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान नहीं है, उसने गलती किया है, उसने झूठ नहीं कहा। चलो हम फोन करके पता करते हैं। यह है खालिद। मैं हूं करुणा हरिदर्शन। नमस्कार सर। आपके बारे में कुछ दिनों से बहुत सुन रहा हूं, लेकिन मेल पहली बार रहा हूं। ये भाई साहब किसी से मिलने नहीं जाते, लेकिन आज का मैटर सीरियस है, इसीलिए ये आए हैं। खालिद, तुम अपना पूरा काम करके आए? नहीं सर, एक सवारी थी, उसके लिए एक लड़के को भेज दिया है। मैं भी बहुत सारा काम लोगों पे सौंप करके आया हूं। सीआई सर ने जैसा कहा वैसा मैटर सीरियस है,
मैं क्यों आया हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, खाली तुम ये जानते हो? अभी भी बात क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, हम लोग शायद पहली बार मिल रहे हैं। बस करो, तुम्हें लॉकअप में डालकर बात क्या है ये जानना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन बड़े साहब के कहने के कारण मैं चुप हूं। छोड़िए सर, ये क्या है सर, बात को अच्छी तरह से समझाएं तो बात समझ में आती है। खालिद, मैं सुगंधा का मामा हूँ, अभी सुगंधा को नहीं जानते ऐसा तुम नहीं कह सकते। सुगंधा को मैं जानता हूँ, हम लोग एक दो बार मिले हैं और बात भी की है। कितनी बार मिले या बात की उसे जाने दो, लेकिन अब नहीं मिलोगे ना बात करोगे, उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ तुम मुझे, वो सब देने को तैयार हूँ इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। एक साल से उससे शादी की बात कर रहे हैं लेकिन वो मना कर रही है, हमने उस पर जोर भी दिया लेकिन पिछले हफ्ते हमें पता चला कि वो खालिद एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा उसने कहा। उस लड़की ने तो मेरा नाम नहीं लिया होगा, वो प्यार करती होगी लेकिन मैं तो उससे प्यार करने लगा हूँ, अब आप फैसला कर लीजिए। खालिद, जवानी में ये सब छोटा मोटा गलत विचार दिमाग में आ जाता है, पैसे और जायदाद रखने वाली लड़की से प्यार करना तो खालिद मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हो ना? आप अभी भी गलत समझ रहे हो सर, पहले आप उस लड़की से बात करके सच क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ गया खालिद, सारी बात समझ गया, जरूरत पड़ने पर छोटी मोटी मदद करने वाली है, ऐसा सुगंधा को खालिद ने समझ लिया, लेकिन सुगंधा ऐसे नहीं है समझे। सर मैं मेहनत करके जीने वाला इंसान हूँ, पैसा और जायदाद हमेशा किसी के पास रहे या ना रहे लेकिन मेहनत तो करनी ही है। फिर मेरी भांजी को फंसाने का मकसद क्या है तुम्हारा, ब्याह करके उससे शादी करोगे, ऐसा सोचते हो तो तुम भूल जाओ, मैंने कहा ना हमारी तरफ से छोटी मोटी गलतियां जरूर हुई होंगी लेकिन ये टीन एज ना बहुत ही खतरनाक होती है, स्मार्ट और सुंदर लड़का हो तो लड़कियां जल्दी फंस जाती हैं, प्यार करना गलत है फिर भी लोग प्यार में फंस जाते हैं, वही गलती मेरी भांजी ने कर दिया, उसके बदले में तुम्हें कितना चाहिए, कितना लाख करोड़ कितना चाहिए बोलो। सर हमारे घर में भी तीन लड़कियां हैं, उसमें से दो लड़कियों का निकाह हो चुका है, जब घर में लड़कियां होती हैं तो उस घर में परेशानियां तो होती ही होती हैं, चाहे घर में पैसा हो या फिर घर में पैसा ना हो फिर भी। अब आप जिस भाषा में मुझसे बात कर रहे हो वो शायद आप परेशान होकर बात कर रहे हो, अगर मैं चाहूं तो मैं भी आपसे इसी भाषा में बात कर सकता हूं। अबे कमीने, किससे बात करा जाता है? खालिद के पास ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मैं किसी से शादी करके उसे धोखा देकर यहाँ पर नहीं आया हूँ, आपने बुलाया इसलिए मैं आ गया, तो बस आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर धमकाने की कोशिश करोगे तो ये खालिद चुप नहीं बैठेगा। ये पुलिस स्टेशन है, मैं तुझे सर बोलने दो इसे, चलो बोलो तुम्हारे घर में तीन लड़कियां हैं, एक की शादी होगी दो की करवानी है, चलो बोलो। समझ गया सर, सब कुछ समझ गया, बात करने के नाम पर पैसे वाले आप लोग, रिश्वत लेने वाले पुलिस वालों को आप लोग अपनी जेब में भर के आराम से रख तो सकते हो लेकिन मुझे इस सब में शामिल मत कीजिए। सर मेरे भी दो हाथ हैं, बिना वजह से आपने हाथ उठाया, पहले आप अपना हाथ हटाइए। नहीं हटाया तो? छोड़िए सर, छोड़िए छोड़िए। देखिए सर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये सच है, ऊपर वाले की कसम, मैं पांच वक्त का नमाजी हूँ, ऊपर वाले की झूठी कसम नहीं खाऊंगा। आप जो बात कर रहे हैं कि आपकी भांजी के साथ मेरा रिश्ता है, तो आपने उसे दुनिया में कहीं भी छुपाया हो मैं उसे लेकर आऊंगा, और इस बात पर आपको विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, लेकिन आइंदा अंधेरे में गुंडों के द्वारा पीछे से वार मत करवाइएगा, आपसे एक गलती हो गई ये सोचकर मैं आपको माफ कर दे रहा हूँ। आज सब लोगों ने मिलकर मुझे यहाँ पर बुलाकर अपनी ताकत से मुझे सवाल तो पूछ लिए और मैंने सबके जवाब दे भी दिए, और इसके लिए मैंने आपको माफ भी कर दिया क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसानियत जानता हूँ, तो अब मैं चलता हूँ क्योंकि और ज्यादा देर रहूंगा तो सबको बुरा लगेगा। हे, सच कहना, तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते हो ना? एक तरफा प्यार है ना? वन कन वीडी फिल्म में ममूटी सर को चंदू को उनके हाथी से प्यार था, लेकिन उन्नी हाथी को चंदू से प्यार नहीं था। लेकिन एक फर्क है सर। क्या फर्क है? चंद्रू का हाथी के साथ परिचय था लेकिन मेरा उसके साथ कोई परिचय नहीं। मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया क्या? उस लड़की ने घर में बोला कि वो तुमसे प्यार करती है, तो अब वो लोग इस बात के लिए पंगा क्यों कर रहे हैं? वो हमारे घर में रहने वाली लड़कियों की तरह नहीं है, पैसे वाले घर की बेटी है, वो लोग लड़कियों की इच्छा के बारे में कभी नहीं पूछते, उस लड़की को लड़का पसंद हो या ना हो फिर भी उसकी शादी जोर जबरदस्ती करवाने की कोशिश करेंगे, तो उस लड़की ने झूठ बोला कि उसे एक लड़के से प्यार है और वो प्यार करने वाला लड़का मैं हूँ, इसी बात पर उन लोगों को शक हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया। अरे ये सेकंड गियर थोड़ा सा स्लिप है ऐसा लगता है, चलो अब वर्कशॉप चलना पड़ेगा क्योंकि लंबा सफर तय करना है।
क्या हुआ? अभी रेडी हो जाएगी, बैटरी चली गई है, अभी ठीक हो जाएगी, उसके बाद आपकी गाड़ी मस्त दौड़ेगी। देख यार, हाजी जी का ड्राइवर, बहुत दिन हो गए हाजी जी को बेवकूफ बनाए हुए, मैं अभी आता हूँ। हैं, एक छोटा सा डोज दूंगा, हाजी जी पागल हो जाएंगे। तुझे उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है? है, तुम गियर बॉक्स का काम करो, मैं अभी आया 2 मिनट में। रवि भाई। हाँ बोलो भाई। इसका सेकंड गियर स्लिप हो रहा है, जरा देख लो ना क्या हो गया है। हाँ? एक काम है, जरा कर देंगे क्या मेरा? ए, हटो। साजिया का मोबाइल नंबर बदल गया है, वही वही पूछना था बस एक बार। अरे बता दीजिए ना, इधर है डोर। बैठिए 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 बैठिए, आराम से आराम से। अरे देखिए, ये बात साजिया को बताइएगा मत, समझे? ए, ए, रुको रुको रुको, अरे इसका सेंटर बोल्ट टाइट करनी है, तुम गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? अरे ये नट के बाद में आकर टाइट करवाता हूँ, पहले मुझे दूसरा नट को टाइट करना पड़ेगा, चलो। अरे अरे ये पागल है क्या? वैसे क्या कहा तूने उससे? यार इतना ही पूछा कि साजिया का नंबर बदल गया या वही है। इतना सुनते बेचारा जीप लेकर ऐसे भागा जैसे आंधी आ गई हो। मजा आ गया यार, मजा आ गया। एक मिनट रुको, तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ है? यहाँ है। मुझे दो, मुझे किसी को फोन करना है, मेरा फोन दरअसल डेड हो गया है। अभी तो देखा था फोन ऑन। सलाउद्दीन, इसे जरा नंबर बताओ। 9847-7714 4760-6357-5348 क्या? जरा फिर से बताना। 2 नंबर ज्यादा हो गया तो कम नहीं कर देना। पर किसका फोन नंबर है? हमारे प्रेस में मैनेजर आर्या मोहम्मद नाम का है उसका। इसे मुझे तो, तुम जाओ यहाँ से, तुम उससे बातें करती हो ना। सलाउद्दीन वर्कशॉप में गया था और इससे पूछा था साजिया का नंबर बदल गया है क्या, अब इसका मतलब क्या है? सच है क्या, तेरा उससे संबंध है कोई? हाँ साहब जी, चंद्र ने वो नंबर मांगा था। ये सही कहा। तो चल मेरे साथ। साजिया रुको, आज तुम बस में नहीं जाओगी। कृष्णा कुट्टी, कृष्णा कुट्टी, कृष्णा कुट्टी, पागल कहीं का। क्या है साहब जी? इस लड़की को कॉलेज लेकर जाओ और बीच में कहीं गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन साहब, हाँ। अगर पुलिस वाले ने हाथ दिखाया? अरे पुलिस वाला रुकेगा तो रुकना। हाँ। ना हाँ। तुम जाओ। ठीक है, आजा। कितना वक्त गुजर गया ऐसा खाना खाए। साहब जी, ये क्या है? साहब जी, खालिद का फोन आया है। वो मुझे क्यों फोन करेगा? वो साजिया को फोन कर रहा है मालिक। बोल दे कॉलेज गई है हम। अरे साहब जी, आप भूल गए, ये फोन साजिया के हाथ में है, सोच कर फोन कर रहा है, लेकिन साजिया का फोन आपके हाथ में है, उसे पता नहीं है कि आपके पास है। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑन करो ऑन करो। मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। हाँ स्पीकर भी। आप शांत रहिएगा, वो क्या करता है हम सुनेंगे। ठीक है। मेरी प्यारी डार्लिंग, तुम्हारा पागल बाप इलियास तुम्हारे साथ रहने की वजह से मैं तुमसे कोई बात कर नहीं पाया, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है। लेकिन वो सुअर की शक्ल वाले हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं, अब क्या करें, वो दोनों तुम्हारे नसीब में ऐसे लिखे हैं जैसे कि तालाब के साथ मछलियाँ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, उन आदमियों के खाने में जहर मिलाकर सीधे दुनिया से उठवा दो। बाकी बातें मैं अपनी डार्लिंग के सामने ही करूंगा। वैसे आज नून शो में श्रीदेवी की मूवी है, बहुत अच्छी फिल्म है, चलोगी ना साथ में देखने के लिए? फिल्म का नाम है अरे कोई फिल्म का नाम बता ना। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अबे तेरी तो। फिल्म है माया की लीला, रेशमा दीदी, मारिया दीदी, शकीला आंटी, ये सारी कैरेक्टर्स फिल्म में है। आज की फिल्म देखने के बाद तो जगह 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 आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सलाउद्दीन गाड़ी निकालो, क्या है थिएटर का नाम? अरे जल्दी बताओ क्या है थिएटर का नाम? थिएटर का नाम भूल गया बाबा, क्या नाम? मद्रास देश परदेश क्या था? मसाला डोसा क्या? पागल कहेगा, चल गाड़ी निकाल। ये क्या, आप बिना खाए पिए कहाँ चले जा रहे हैं? फिल्म देखने जा रहे हैं, मसाला डोसा पागल कहीं की। अगर आज इलियास भाई आ गए ना तो पागल हो जाएंगे। खालिद, खालिद, हमारे 10th क्लास के मास्टर मूर्ति के बेटे को कुछ गुंडे गाड़ी में लेकर के गए, मैंने अपनी आंखों से देखा। कहाँ जा रहा था वो? मंजरी की ओर देखा मैंने। हाँ मैंने देखा गाड़ी ले जाते हुए, मंजरी की तरफ जाते हुए। अभी आप लोग मत आना। अरे ये क्या दादागिरी है, हाथ मत लगाओ। कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। अबे कमीने, चल गाड़ी से उतार, नीचे उतार। गाड़ी लोड में लिया, पैसा निकाल, किस्त भरता है कि नहीं, चल बाहर जल्दी। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। तो छोड़ोगा नहीं तुझे। साहब जी, खालिद की जीप आ रही है। साहब जी, साहब जी,
जीप के स्पीड से लग रहा कि साजिया को उठा करके उससे शादी करने के लिए रजिस्टर ऑफिस लेकर के जा रहा है। अपनी काली जुबान से ऐसा मत बोल। खाली देख क्या रहा है, शुरू हो जाए बस। मेरा यह मानना है कि साजिया को उठाने के लिए कोई और गैंग आया है। खालिद उन लोगों को से लड़ रहा है। साजिया को गाड़ी से नीचे उतारो और उसे दो लाफा मारो। साहब जी मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ। क्या साहब जी, आप गैर जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं। अभी आप में ताकत है, जाइए 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 जाइए। साजिया साजिया अरे सुनो भाई, मेरी बेटी को उठा कर ले जा रहे हो। नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। डोंट वरी, रखता हूं। तुम में से मुरली कौन है? मैं हूं सर। चल इधर आ। ये बता, तूने सेठ से लोन लिया है ना? हाँ सर। अच्छा, कितना पैसा लोन में लिया है? मैंने 4 लाख रुपया लिया था सर। ब्याज मिला के मैं उन्हें 5 लाख रुपए चुका चुका हूँ सर। उनके हिसाब से मुझे उन्हें और 50,000 रुपए देने हैं, लेकिन माँ की तबीयत खराब है, उस वजह से मैं उन्हें दे नहीं पाया सर। लोन नहीं भरेगा तो तेरी गाड़ी उठा कर ले जाएंगे। हाँ सर। ये बात तू नहीं जानता था क्या? जानता तो देर, तू सेठ के लोगों को गुंडों से मार खिलाएगा? सर 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 मत मारे सर, गुंडा गर्दी करता है सर, 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 तेरे जैसे लोग मार खाने के बाद ही सुधरते हैं। सर अभी इसे मत मारिए। मारूंगा तो क्या करेगा तू? सर मैं जानता हूँ कि मुझ पर जो आपका गुस्सा है वो आप इस पर उतार रहे हो। मुझ पर उतारो? तुझ पे उतारूंगा तो तू मुझे मारेगा क्या? गलती करेगा तो वो तो मार तो खाएगा ही सर, वो चाहे मैं हूँ या फिर ये हो या फिर यहाँ रहने वाला कोई भी हो, लेकिन जिसने गलती नहीं की उसे हमने कभी नहीं मारा है सर। लेकिन मैंने पहली बार एक ही शब्द में आपको समझाया तो था, आज नहीं तो कल आपका और मेरा सामना पक्का होने वाला है। तो तू क्या मुझे मारेगा? मारूंगा सर, अभी यहाँ नहीं सर। सर का पत्ता खेलने का अड्डा, चिट फंड कंपनी कहाँ है वो सब हम अच्छे से जानते हैं। हम तो ड्राइवर्स हैं, पूरे स्टेट में घूमते रहते हैं। खाकी पहनने वालों में और हम में कोई फर्क नहीं रहता है सर। मारूंगा सर, छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा, घर के अंदर घुसकर। खालिद बेटा, वो लोग दोबारा आ गए तो क्या होगा? अगर फिर से मारेंगे तो बचना मुश्किल हो जाएगा बेटा। आप चिंता मत कीजिए। अरे वो आएगा तो क्या हुआ, हम लोग है ना यहाँ पर संभालने के लिए। मैंने कितनी बार समझाया था कि सेठ लोगों से पैसा बिल्कुल मत लिया करो, पैसे लेने हो तो बैंक से लोन ले लिया करो। क्या बताऊँ मास्टर जी, ये बैंक के चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं होगा। एक साधारण आदमी बैंक से लोन मांगता है तो बैंक मैनेजर हजारों सवालों में उसको उलझा देता है, जैसे कि वो अपने बाप का ही पैसा दे रहा है। बिल्कुल सही है, ये बैंक मैनेजर जो होते हैं काम वाम तो करते नहीं है, सरकार ने बस इन्हें गुड़िया की तरह बैंक में बिठा रखा है। एसोसिएशन ऑफिस से फोन है। हेलो, जनरल सेक्रेटरी खालिद स्पीकिंग। सेक्रेटरी साहब, ब्लड की जरूरत है हमें। ब्लड? जी। कहाँ पर? मलाबार हॉस्पिटल में। मलाबार हॉस्पिटल? अरे हम भी तो मलाबार हॉस्पिटल में ही है। कौन सा ग्रुप है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव तो यही पर है, हम दे देंगे सर। कोई बात नहीं, चलो भाई थोड़ा सा ब्लड देना है। ये मेरे शरीर से निकाला हुआ खून है क्या सिस्टर? इसे चेक करने की जरूरत नहीं, अशुद्ध है। आप अपना फोन नंबर बताइए। सॉरी, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। जी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तो
तुम्हारे प्यार से मुझे क्या मतलब? अच्छा, किसी को ब्लड की जरूरत होगी तो तुमसे कांटेक्ट करूंगी। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, गलती हो गई, माफ कर दो ना सिस्टर। आदमी एक बार गिरे तो बार बार गिरता है, इस बार आठवीं बार खून दे रहा हूँ। आपको पता है ओ नेगेटिव वाला आदमी इस पूरे जिले में अकेला हूँ। अब पता नहीं है मेरी खुश नसीबी है या बदनसीबी है, ये तो आप ही जाने सिस्टर। ये लो, पेशेंट के घर वालों ने दिया है। अरे पैसों के लिए नहीं सिस्टर, मैं ब्लड बेचने का काम नहीं करता। अगर ऐसे बार बार दूंगा ना तब इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, दे दीजिए। मेरे खून की कीमत है ये। ये क्या? मैंने मना किया था लेकिन जबरदस्ती दे दिया, तो क्या करूँ, ले लिया मैंने। बेशरम कहीं का है? अरे सिस्टर सुनिए, ये पैसे के लिए नहीं किया, ये रक्तदान का काम हम लोग मम्मूटी फैंस एसोसिएशन से समाज सेवा का एक भाग समझकर कर रहे हैं, इसलिए आप ये पैसे वापस ले लीजिए। मुझे नहीं, 103 के घर वालों को दीजिए। 103? अरे तुम हो, तुम यहाँ पर कैसे? अब किसी को ब्लड चाहिए था मेरी माँ के लिए, तुम यहाँ कैसे? हम यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए थे, तब ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है ऐसा कॉल आया था, ब्लड इसने ही डोनेट किया है, लेकिन पैसों के लिए तो हमने डोनेट नहीं किया। कौन है बेटी? मेरे एक फ्रेंड है माँ, अंदर आओ। इन्होंने ही ब्लड दिया था माँ। अब सुनो, ये पैसे वापस ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, हमने हॉस्पिटल से ब्लड लिया है, पैसे तो देने ही होंगे ना। वो सब तो ठीक है लेकिन ये पैसे तुम्हें वापस लेने पड़ेंगे। क्या नाम है बेटा? अब मैं खालिद हूँ और ये चंद्रा। हाँ जी। कैसी तबीयत है अभी? अभी थोड़ा दर्द कम है, इसी ने ब्लड दिया है, डॉक्टर ने कहा है कल ऑपरेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं। खालिद मैं अभी आती हूँ माँ। थैंक यू, तुमने हमारी बहुत मदद की। नहीं कोई बात नहीं। देखिए इस मालाबार हॉस्पिटल का सर्विस अच्छा नहीं है, अब हम दोबारा नहीं आएंगे। सही कहा ना? हाँ मंजरी आ जाओ, मंजरी का सरकारी हॉस्पिटल बहुत ही बढ़िया है। ऐसा क्यों? नहीं वो चोटी वाला है ना। कौन? ओ आपका रिश्तेदार है, हम आपके साथ रहेंगे तो वो हमसे लड़ने लगेगा तुरंत। आइंदा हम तुमसे मिलने आएंगे तो फ्रूट्स जलेबी सब कुछ लेकर के आएंगे, ठीक है? चलिए हम चलते हैं। चलता साजिया, साजिया। पापा कैसे हैं? अब ठीक हैं। अभी इस उम्र में उन्हें लड़ने की क्या जरूरत है। ठीक है चलो चलता हूँ। खालिद सुनो, जो लड़की पसंद है तुम उसी से मिलने आए हो ना यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है, लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये ब्लड देने के लिए यहाँ आया था और वो हमें थैंक्स कहने के लिए आई थी, बस इससे ज्यादा। मैंने वजह तो पूछी ही नहीं, लेकिन एक बात बताऊँ, तुम्हारी बातों से मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमसे शादी करने के लिए बाबा को मना रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे परिवार को मेरे बाबा ने बहुत नुकसान पहुँचाया है, उनसे बदला लेने के लिए तुमने मुझे धोखे में रखा, ये तो ठीक बात नहीं है ना खालिद। आइंदा अगर कभी किसी से बदला लेना भी हो तो प्यार का नाटक मत करना खालिद। साजिया जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैंने कोई गलत काम। मैं अब चलती हूँ, वैसे वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम उससे शादी कर लेना। अचानक ये होना संभव नहीं है, गोमती का ब्लड ओ नेगेटिव ग्रुप का है, ये रेयर है। अगर वो अचानक से आ गया तो फिर हम प्रिपेयर्ड हैं। गोमती का ऑपरेशन है, उसे ये पता था, किसी ने बताया होगा। उस लड़के का घर कहाँ है, घर में कौन कौन है? वो मैं पता करता हूँ। 11 बज रहा था, मैं घर के अंदर काम कर रही थी, उसने मुझसे कहा नानी पापा घर पर आ गए हैं। मैंने सोचा ये बच्ची क्या बोले जा रही है, सामने आकर देखा तो सलीम सामने खड़ा था। ऊपर वाले ने अच्छा दिमाग दिया, मैं उसे दिल से याद कर रही थी खालिद, तुम जानते हो ये बात। मेरे बाद मेरी इन छोटी बच्चियों का क्या होगा ये सोच रही थी। हाँ, अभी इन्हें ले जाने के लिए जीजा तो आ ही गए हैं ना, तो फिर तुम चिंता क्यों कर रही हो? जोरा 25 रुपए लेकर आओ, कुछ काम है। अरे तुम्हें किसने बुलाया, तुम जाकर पढ़ाई करो। अरे सुनो तुम जाओ और लेकर आओ पैसे, अपने हाथों से आज खालिद को मच्छी का सूखा खिलाओ। अब ये क्या कर रही हो, रोकर कोई खाना खिलाता है क्या? इंसान का यही पागलपन है, हम क्या बताएं। शादी करके चली गई हुई लड़की माँ के घर लौट आए तो तकलीफ होती है, पति के साथ जाओ बोलो तो भी वो चिंता करती है। नहीं बात ऐसी ही है, वैसे
ये हमारी जो जीनत है ना, वो आते हुए रोती हुई आई थी और जाते हुए भी रोते हुए ही जा रही है। जीजा जी, आपका घर बन गया क्या? काम थोड़ा बाकी है, गृह प्रवेश में आप सबको आना पड़ेगा। अगले हफ्ते मेरे पास कुछ पैसे आने वाले हैं। जीजा जी, मैं आपके घर के काम के लिए वो पैसे दे दूंगा। पैसों की जरूरत नहीं है, आपका आना ही काफी है। हा? अरे तुम लोग तैयार हो गई? हम लोग जा रहे हैं मामा। मामा आप कब आओगे? मामा आएगा तुम्हारे घर में बकरी ईद पर, जरूर आएगा, और उस वक्त हम सब लोग धूम धाम से त्योहार मनाएंगे। इन बच्चों को छोड़ो, बस के आने का टाइम हो गया है। ठीक है जीजा जी, अभी जाते समय ऐसे रोना नहीं चाहिए, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, बस ज्यादा देर इंतजार नहीं करती है। हाँ, अरे अब तुम क्यों रो रही हो माँ? अपने पति के साथ चली गई ना वो। तो तुम क्यों रो रहे हो? हा? अरे कौन कौन रो रहा है माँ? लगता पागल हो गई है। हेलो खालिद, मैं फातिमा बोल रही हूँ। मैं तुमसे अर्जेंट मिलना चाहती हूँ, मेरे पति के बुक स्टॉल में आ जाना, आना जरूर भूलना मत। हाँ ये लो चाय पियो। ये देखो, भूमि को बने कितने साल हो गए और धरती को बने कितनी उम्र हो गई, ये सब लेटेस्ट बुक्स है। इन सब के बारे में यही कॉन्सेप्ट है। इन सब के बारे में तुम भी जान लो तो तुम्हारा भी दिमाग बढ़ जाएगा। अब आप ही इसको समझाइए ना। ओके 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 ओके, धरती को बने कितने साल और जाति को बने कितने साल, यही रहने दो। उपदेश देने की औकात तो मुझमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ये शादी शेर की पूंछ पकड़ने जैसा है, हम सोचते कुछ और है और ऊपर वाला कुछ और फैसला करता है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है सबकी। अभी आज दोपहर में हुई एक बात है, 2.5 साल पहले अपनी बीवी के साथ पति की जम नहीं रही थी, ये कहकर वो मेरी बहन को छोड़कर चले गए, और मैं गाड़ी छोड़कर घर में गया तो मेरे जीजा जी अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए वापस मेरे घर चले गए थे। अब देखिए, 20 साल हो गए मेरे पिताजी मेरी माँ को छोड़कर चले गए हैं, वो दूसरी औरत के साथ शादी करके उनके बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो ना ही हमसे कभी मिलने आए और ना ही कोई बात हुई। अब इंसान की जिंदगी एक यात्रा की तरह होती है, अब वो यात्रा हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे मन करे या ना करे। खालिद, तुम शायद अब तक मेरी प्रॉब्लम समझे नहीं हो। तुम्हें एक बात बताती हूँ, शेखर नाम का लड़का मुझसे शादी करना चाहता था, फिर उसके किसी और से शादी हो गई, फिर गैस फटने से उसकी बीवी की मौत हो गई, पर मैंने सुना कि वो शेखर को मारने की साजिश थी। मैं जब शहर से पढ़ाई करके वापस आई तो मैं माँ के साथ ही रहने लगी। धीरे धीरे मैं वहाँ की बातें समझने लगी। पिताजी की मौत के बाद से सब मामा के हाथ में है। पिताजी कैसे मरे, बीमार थे या? वो एक कार एक्सीडेंट में मरे। माँ और पिताजी दोनों महाकाली के मंदिर जा रहे थे, माँ तो बच गई लेकिन पिताजी नहीं बच सके। माँ भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, मेरी माँ को शक है इसलिए शादी के खिलाफ है, ये मैं समझ गई। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत सालों से ऐसा चलता आ रहा है, जो मुझसे शादी करना चाहता है मर जाता है, इसीलिए मेरी माँ को मामा पर शक होने लगा है। तुम्हें मारने के पीछे भी मेरे मामा का ही हाथ था। सच कहूँ तो मामा से मेरी शादी हो या ना हो, मेरी और मेरी माँ की जिंदगी खतरे में ही रहेगी। मैं और मेरी माँ कल पिताजी के एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, वो दिल्ली में है, कुछ दिन हम वहीं रहेंगे, शायद मामा वहाँ नहीं आ पाएंगे। एक बात कहूँ, इस जन्म में तो हम दोनों नहीं मिल पाएंगे, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, वरना मैं उस शादी में तुमसे मिलती ही नहीं। फिर मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए तुमने ही ब्लड दिया था, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरी माँ कहती है कि खालिद जैसा लड़का और भी तो कहीं होगा, जब मिलेगा तब जाने नहीं देंगे, उसी से तब मेरी शादी करवाएंगी, शायद यही मेरी किस्मत में हो। अब मैं चलती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। अगले हफ्ते देवकी सिनेमैक्स थिएटर में फिल्म का 100वां दिन होने के उपलक्ष्य में ममूटी जी यहां आने वाले हैं। भैया, ये छोटी दुकान नहीं है, इसमें कम से कम 100 लोग आ सकते हैं, तो मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं भेजोगे ना? अरे नायर भाई, आप चिंता मत कीजिए। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा,
और वो अंदर ही है। क्या बात है, क्या हुआ है? मेरी मदद करोगे क्या? रात को मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, अकेले डर लग रहा है, इसलिए तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं। नहीं, रेलवे स्टेशन बोले तो सुगंधा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ मर चुकी है। तुमसे मिलकर जब मैं घर वापस लौटी तो देखा माँ मर चुकी थी, पर मुझे दुख नहीं है, बहुत तकलीफ में थी। एक तरह से उन्हें मोक्ष मिला है, अब भगवान के पास चली गई है। खालिद, मैं दोबारा तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन आज रात मुझे ले चलो। तो फिर तुम यहाँ रहना नहीं चाहती? रहना चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन माँ के जाने के बाद अब यहाँ अकेले रहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। खालिद, मुझे डर लगता है, मामा से डर लगता है। देखो, तुम जो सोच रहे हो बात उससे आगे निकल चुकी है। जानता हूं मास्टर, लेकिन इस वक्त मदद नहीं की तो। तुम कहां जा रही हो ये बात वो लोग जानते हैं? नहीं, टिकट रिजर्वेशन की बात उन लोगों को पता नहीं होगी क्या? इसलिए तो मैंने इसे कहा मास्टर कि कालीकोट या फिर कन्नूर रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना, मंगलापुरम के बाद कुंदापुरम नाम का स्टेशन है, अभी निकले तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। वहां पर ट्रेन पूरे पौने घंटे तक रुकती है और वहां पर भीड़ भी कम होती है। तो फिर तुम लोग वहां जाओ और तुम लोग अपने घर कल रात को ही निकल जाना। ठीक है मास्टर, बाद में मिलता हूं। जेल में गेहूं के आटे की रोटी मिलती है, लेकिन घर में क्या है कि वैरायटी खाना मिलेगा, ये सोचकर मैंने कहा गेहूं का आटा। यार खालिद, तुम दिल से ये बात कह रहे हो क्या? क्या मतलब है? मुझे पता है, बताता हूँ। देख, अगर वो तुझे चाहती है तो ज्यादा सोचो मत, चुपचाप रजिस्टर ऑफिस में जा करके शादी कर लो, बस हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम तुम्हारा साथ देंगे। देखो, अगर मर्द हो तो थोड़ी हिम्मत दिखाओ, हिम्मत। अगर हमने अभी वो हिम्मत दिखाई तो हम मतलब ही कहलाएंगे। उसने जिंदगी भर तकलीफ सही है, तो अब वो उड़ना चाहती है तो उसको उड़ने दो। अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो वो एक रिलीज ना होने वाली फिल्म जैसी होगी, हंसी मजाक नाचना गाना ये कुछ भी नहीं जान पाएगी। ट्रेजेडी होगी या कॉमेडी होगी ये तो पक्का नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है और सपना देखना भी बंद कर दिया। माँ को छोड़कर गए हुए मेरे पापा अभी तक नहीं आए, इस बात का मुझे अभी तक दुख नहीं है। थर्ड रैंक लेकर प्लस टू पास होने के बाद पेपर में मेरा फोटो निकला था। स्कूल के मास्टर जी डिग्री पढ़ाई करने की बात कर रहे थे। शादी के जोड़े में उस लड़की को देखा था तो मुझे अपनी शादी याद आई थी। हमारा जो सपना है ना, वो वापस ना देने वाले करेंसी नोट के जैसा है। अपने हाथों से आसमान को छूने की कोशिश करना बेकार है, बल्कि हम नए नोट को संभाल कर पर्स में रख कर उसे बार बार निकाल कर देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कौन है? चंद्रा, मैं हूँ, खालिद ने बुलाया है। अरे अरे कौन? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे कौन हो तुम लोग? अरे अरे क्या कर रहे? अरे अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? चल गया है। कौन हो तुम? भाग, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? चल बाहर जाओ। कौन है? कौन हो तुम? कौन हो? अरे अरे कौन हो? कहाँ है वो? Thank you.
तुम्हें क्या लगा ट्रेन से जाओगी तो मुझसे बच जाओगी क्या? सुनो, जिस लड़की का किडनैप हुआ है उसकी उम्र काफी कम है। उस केस में क्या किया? मुझे सबको जवाब देना पड़ता है। जवाब दो, इस केस में क्या मूवमेंट हुआ है? हम ढूंढ रहे हैं सर। ऑफिसर, ये केस कोई पिक पॉकेट का नहीं है। बताओ वो लोग कहाँ हैं? तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। दो बार मैं समस्या के लिए इस पुलिस स्टेशन में आ चुका हूँ। जिस दिन से लड़की गायब हुई है उस दिन से इन्हें फोन करके बता रहा हूँ, किसी भी केस में डाल दो, उसे अरेस्ट करो। सर, अगर बिना किसी अपराध के अरेस्ट करेंगे तो परेशानी हो सकती है। शट अप! अभी तक तुमने बिना अपराध के किसी को अरेस्ट नहीं किया। 24 घंटे के अंदर लड़की इनके घर में होनी चाहिए और अपराधी लॉकअप में, समझ गए? ये मेरा ऑर्डर है सर। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? सर, सर हमें लगता है वो लड़का लड़की समुद्र में कूद करके, मतलब क्या है तुम्हारा, खुदकुशी कर लिया होगा। अपनी काली जुबान से कुछ मत बोल यार। फिर मम्मूटी।
हे भगवान, ये सपना है या हकीकत है? नमस्ते। एसपी ऑफिस गया था तो पता चला वो यहाँ है। मैं मिल सकता हूँ? इन्फॉर्म करता हूँ सर। सर, एक्टर ममूटी सर आपसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ कोई शूटिंग चल रही है क्या? हाँ? नहीं सर। तो क्या बात है, पूछो। अब वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। अभी कोई भी फिल्म आपकी आए तो सर आराम से बड़कना, नूडली, मोहन सर की, देवासुरन, ग्रीडम, तालावरम, ये सब है ना सिनेमा सर। देखिए, ममूटी जी की पयम बुद्ध देख करके ना मैं अपने साथ पढ़ने वाले दोस्त के साथ मिलने गांव गया था, लेकिन वो मर चुका था। लेकिन मैंने उसकी मदद करने की सोची थी, फिर मैं थोड़ा रोने लग गया था। सर ने जैसा रोया बिल्कुल वैसा ही। एसपी सर ने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। लगता है अंदर सर कुछ ज्यादा बिजी है। जाकर देखता हूँ, दरवाजा खटखटाऊंगा तो वो खोलेंगे। फिल्म में देखा वही स्वभाव है, वही स्टाइल है। मानना पड़ेगा यार। मैं आई कम इन सर। यस कम इन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, शूटिंग के लोकेशन से आ रहा हूँ। आपको वेट करने के लिए कहा था। वेट किया था सर, समय से ज्यादा वेट किया, लेकिन मैं आम लोगों के जैसा वेट नहीं कर सकता हूँ। मैं ममूटी हूँ ना सर। कुछ ऑफिसर्स मिलने आए लोगों को वेट करवाते हैं, तो क्या आप भी उन्हीं ऑफिसर्स में से हो क्या? कोई बात नहीं सर, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ, चलेगा ना? यहीं बैठ जाता हूँ। यहाँ पर रजिस्टर वन मिसिंग केस के बारे में बात करने आया हूँ। ऊटी में शूटिंग करते वक्त एक लड़का एक कम उम्र की लड़की के साथ मुझसे मिलने आया था। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की, ये बात सर को पता होनी चाहिए। मैं उस लड़की को सुरक्षा के साथ घर भेजवाना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने कहा भले ही मैं मर जाऊं लेकिन घर नहीं जाऊंगी, इसी लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी और यही मेरी रक्षा कर सकता है। उनकी बातें सुनकर मैं उन्हें मेट्रोपॉलियम रजिस्ट्रार ऑफिस में ले गया और उनकी शादी करवा दी। अभी वो लोग मेरे साथी हैं, बाहर खड़े हैं सर। ये देखिए सर, मैरिज के डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो दूसरा गवाह है पीआई मोहम्मद कुट्टी, वो मैं हूं सर। मिस्टर ममूटी, ये सिनेमा नहीं हकीकत है। ये कौन है? ये मामा है। ये जान लीजिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आप जैसे विलन लोग नहीं है भाई साहब। हमें इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त मुझसे बात मत करो, लेकिन बाद में करना पड़ेगा, पुलिस से, कोर्ट से और मुझसे। मैं सर को गलत नहीं कह रहा हूँ, आप एक पुलिस ऑफिसर हो, आपको राज्य के कुछ लोगों की बातें तो माननी ही पड़ेगी। सही कहा ना? इस बात के लिए न्याय इसके पक्ष में है। इस बात को जानकर कानून जानने वाला हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा तो नहीं रहेगा ना, इसलिए सर आप माफ कीजिए। और भाई साहब, आप इन पर तलवार चलाओगे, मिर्ची पाउडर फेंकोगे और गुंडागर्दी करोगे तो आप एक एक्टर से नहीं बल्कि ममूटी से मिलोगे, जो तलवार उठाकर एक साधारण गांव वाला बनकर आपको नहीं छोड़ेगा, इसे याद रखिएगा। सर अब आप इस मिसिंग केस को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मिल गए। थैंक यू, चलता हूं भाई साहब। आओ। हाँ। तुमसे दुश्मनी निकालने वाले ये सीआई सर ने हमारी बहुत मदद की। ये समय समय पर यहाँ के हर बात मुझे बताते थे। सर ने जो कुछ भी किया ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं है, इज्जत के लिए किया है। ये रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सीआई सर हमारे फैंस में से एक हैं। सिर्फ तुम ही लोग हमारे फैंस नहीं हो। तो चले, ठीक है सर। सुनो बेटी, ये बहुत चालाक है, इसे अपनी मुट्ठी में रखना। सर, वन वे टिकट का 100 डेज है सर, आप आएंगे सोचकर वहाँ बहुत भीड़ होगी सर। 20 पुलिस वालों का इंतजाम किया मैंने, आपको आना ही पड़ेगा सर। सर ठीक है, आई ट्राई। ओके सर। ए, रुक जाओ। अरे अरे, शांति शांति, आराम से आराम से। हाँ।